ठीक है। आज की इस गंभीर शास्त्रीय लेकिन रुचिकर परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो लोग जिज्ञासावश और कुछ लोग जो पहले से ही इस तरह के शास्त्रीय विषयों से परिचित हैं, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपके साथ कुछ एक बातें साझा करना चाहता हूं कि ये भाग दो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस विषय के, जिसमें कि वर्णों और अक्षरों की आकृतियां, ध्वनियां एवं दिव्यार्थ विज्ञान की तंत्रागम व शब्द शास्त्री मीमांसा, इस विषय को आप देख रहे हैं। इसका प्रथम भाग थोड़ा सा इससे भिन्न रूप में हमने 2 हफ्ते पहले उस विषय पे हमने चर्चा की थी और उसको समझने का प्रयास किया। तो समझ में तो कितना आया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने हमारे सामने कई सारे और पक्ष खोल दिए और उसी का परिणाम जो है वो ये दूसरा जो विषय आज आप देख रहे हैं हमारे सामने उपस्थित है। और जो पहला विषय था दो प्रश्न ये थे कि एक उसमें से प्रश्न था हमारा कि जो आकृतियां वर्णों की होती हैं, इन वर्णों की आकृतियों के पीछे का सामाजिक मनोविज्ञान या दार्शनिक जो दार्शनिक दर्शन है दृष्टिकोण वो है। क्या है, या अन्य कोई भी ऐसा वैज्ञानिक पक्ष जो इसको सुलझा सकता है कि इसी तरह की आकृतियां क्यों चुनी गई। और दूसरा उसमें प्रश्न जो हमने लिया था वो प्रश्न था कि इन आकृतियों के साथ जो ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, जी आज शब्द जो जुड़ गया है वो आकृतियों और ध्वनियों के अतिरिक्त दिव्यार्थ विज्ञान। दिव्यार्थ इस अर्थ में है कि क्योंकि सारे समाज ने जो है इस ध्वनि को और इन आकृतियों को वर्णों की स्वीकार किया है और इसी से ही उनका इतने निरंतर वर्षों से वो इसका जो है वो आचार और आचरण और व्यवहार करते आ रहे हैं और इसी से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की इश्यूज, अपने समाज के इश्यूज और जितने भी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं वो इन्हीं के से संबंधित हैं। तो उसमें से भी 2 विषयों को हमने विशेष रूप से आज लिया है, जिसमें विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, जो विद्वान होने के साथ साथ साधक भी हैं सारे विषय का। और दूसरा शब्द शास्त्रीय शब्द शास्त्र शब्द है। शब्द शास्त्र शब्द अपने आप में बहुत सारे विधाओं को लिए हुए है, जिसमें एटिमोलॉजी से लेकर के लिंग्विस्टिक्स और ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि इसको हम समाहित रूप में कैसे देखें, कैसे समझें और अपनी दृष्टि का हम विकास करें। आप अपनी स्क्रीन पे नीचे ये देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने स्पष्ट कर ही दिया है कि तंत्रागम एक पक्ष है और शब्द शास्त्र दूसरा पक्ष है। इसके बीच में हम 3 विषयों पे बात करेंगे, ध्वनि, वर्णों की आकृति और उनके जो अर्थ हमें जो शास्त्रीय अर्थ मिलते हैं वो क्या हैं और उनके आपस के संबंधों को कैसे हम समझें और वो हमें बोध के किस स्तर पे लेके जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। और दूसरा फिर इसी को आगे आप देखते हैं कि ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये आपकी सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ व्यक्ति चेतना के भी प्रतिनिधि हैं।
सामूहिक चेतना का अर्थ ये है कि सभी लोग अ बोलते हैं, क की ध्वनियां बोलते हैं, उसी अ को लिखते भी हैं, लेकिन हमारी आकृतियां कुछ भिन्न होने पर भी सामान्य रूप से उनकी आकृति वैसी ही रहती है। और कईयों के लिए वो विशेष जो अक्षर होता है वो ज्यादा प्रिय होता है, वो उसको प्रभावित भी करता है, जैसा कि हम आगे चल के देखेंगे। और यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लंग वर्ण है, वंग है, रंग है। आप सभी जानते हैं कि तंत्र में ऐसे बीज मंत्रों का कैसे प्रयोग होता है और वो कैसे अपनी एनर्जीज को हमारे ऊपर, हमारे सारे स्नायु संस्थान के ऊपर प्रभाव डालती हैं, उनको उत्तेजित भी करती हैं, हमें स्पिरिचुअल अनुभव की ओर लेके भी जाते हैं। तो इन सब के लिए अगर आप देखें तो हम तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वर्ण, फिर अक्षर और मात्रिका। वर्ण, अक्षर और ये मात्रिका, इन तीनों का क्रम पूर्वक क्या आपस में संबंध है, इनको मात्रिका क्यों कहा जाता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और फिर ये आगे चल करके नाद और बिंदु से ही उत्पन्न होते हैं, ये बात भी हमें समझने की होगी कि नाद जिसे आप अक्सर ध्वनि के साथ हम समझ लेते हैं, उसके साथ मिला देते हैं, हालांकि ध्वनि से बहुत आगे नाद के अपने कई स्तर हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो लेकिन नाद और बिंदु के आपसी संबंधों को भी हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे ये बात की कि आपके जितने ये चक्र हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, उसमें इन वर्णों का ही प्रयोग हो रहा है, तो ये बात ये सिद्ध करती है कि ये वर्ण अपने आप में हमारी सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि हैं। जो भी साधक होगा वो लम वंग यंग रंग इन सब ध्वनियों का प्रयोग करेगा और निरंतर इनका जाप करेगा आदि आदि, तो वो क्यों करेगा, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या हैं या अन्य पक्ष क्या हैं, उन सबको आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जब आप पंच महाभूतों को देखते हैं तो यहां पर भी आप क्या देखते हैं कि एक एक वर्ण को ही एक एक भूत का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। कम यम रंग वंग लंग पृथ्वी वर्ण जिसे आप कहते हैं, पृथ्वी बीज, तो इन सब का आपस में संबंध क्या है, क्यों इनको इतना महत्व दिया गया है। अगर हम भाषा से ही सब कुछ कर रहे होते तो इन वर्णों के पीछे क्या अर्थ हैं, क्या इसके पीछे का विषय विस्तार है। अब इस बात को थोड़ा सा और हम समझ लें, मैं लगभग 5 मिनट आप लोगों के लूंगा, कि इसमें मैंने एक शब्द जो एड अप किया था वो था दिव्यार्थ विज्ञान। जब आप दिव्यार्थ विज्ञान की बात करते हैं, ये लिंग्विस्टिक्स के आगे का विषय है और लिंग्विस्टिक्स के लोगों को, क्योंकि वो उतना ही वो वेस्टर्न लिंग्विस्टिक से परिचित होते हैं, तो अपनी लिंग्विस्टिक से परिचय करने में हमें संकोच ही रहता है, तो उसमें आपको ये 15 अर्थ मिलेंगे जिसमें प्रतिपाद्य अर्थ प्रत्येक वर्ण का, भाषा को तो अभी छोड़ ही दीजिए, लेकिन प्रत्येक वर्ण का अक्षर का पहला होता है प्रतिपाद्यार्थ, फिर भावार्थ, संप्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ, महातत्वार्थ, नामार्थ, शब्द रूपार्थ, नामयिकार्थ, शाक्तार्थ, सामरस्यार्थ, समस्तार्थ, सगुणार्थ और फिर अंत में जाके महावाक्यार्थ। तो इसलिए इस दिव्यार्थ ज्ञान की चर्चा करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कितने 15 अर्थ आपको जो साहित्य में पढ़ते होंगे वो तो चलो अभिधा लक्षणा से आपने व्यंजना से सीख लिए, वो 3-3 अर्थों को आपने पकड़ लिया, लेकिन यहाँ तो 15 अर्थ हैं, कहाँ इनको आप फिट करेंगे और कैसे इसको समझेंगे, नंबर एक। नंबर दो स्थिति पे आप देखिए कि नाद की 3 अवस्थाओं का इसमें हमें जो है वो ज्ञान उपलब्ध होता है। एक वो नाद है जिसे सूक्ष्म नाद कहते हैं, संप्रदाय, इस नाद संप्रदाय के ऊपर कई संप्रदाय और कई व्याख्याएं हमें मिलती हैं, फिर अक्षर नाद है और फिर वर्ण नाद है। इन तीनों नादों में क्या अंतर है, तीनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये भी हमें देखना होगा। और फिर बिंदु और नाद की जो अवस्थाएं हैं, बिंदु से नाद की जो अवस्थाएं, यानी कि मैटर से एनर्जी या एनर्जी से मैटर की जो अवस्थाएं जिनकी हम चर्चा करते हैं, उसको तंत्र में किस तरह से समझा गया है, इस बात को हम देखा बनती है वो बिंदु से ही बनती है, इस बात को हमारे भारतीय मनीषी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो बिंदु रेखा की बजाय वो कैसे ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, इस बात का ये प्रतिनिधि है। आप ये देखें कि बिंदु, फिर अर्धचंद्र, अर्धचंद्र से रोधनी की स्थिति, वहां से नाद, नाद से नादांत, नादांत से शक्ति और शक्ति से व्यापिका, और फिर समना, और समना से अंतिम जो स्थिति है नाद की वो है उन्मनी।
ये शब्द सुनने में बड़े सुंदर और रुचिकर हैं, लेकिन इनके अर्थों को जानना और समझना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि ये शास्त्रीय विषय हैं और शास्त्रीय विषय होने के साथ साथ ये अनुभव के विषय भी हैं। तो आप जैसे कि यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप ओंकार प्रयोग करते हैं, पांच प्रकार के ओंकारों में से एक जो विशेष ओंकार है उसमें बिंदु और बिंदु के साथ जो है वो नाद का प्रतिनिधि है। ये जो अर्धचंद्र देख रहे हैं ये नाद का प्रतिनिधि है और ये ऊपर तो बिंदु तो है ही है। अब इसके साथ हम लोग जो और चर्चा लेंगे बीच में, डॉक्टर साहब जिस विषयों को स्पर्श करेंगे उसमें मालिनी विद्या एक विशेष विद्या है, जहां पे अक्षरों का क्रम जो है जिस रूप में हम लोग पढ़ते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, और दूसरा है उसमें मातृका शक्ति जो है वो किस तरह से व्यवहार करती है, वो सारे विषय हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया हुआ है, इसलिए उस विषय को मैं विस्तार में नहीं जा रहा। ये पिछले जब हमने चर्चा की थी ये वो वाला विषय है, इसको आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपके पास दोबारा इसको साझा कर दूंगा कि तब हमने ये दो प्रश्न इसमें लिए थे। ये पिछली बार भी मेरे रुचि का बड़ा रुचि का विषय था, लेकिन इसका मैं समाधान नहीं तब भी ढूंढ पाया। इन आकृतियों में जब अ के साथ ये जो आप दंड देख रहे हैं, लंबाकृति देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आकृति ऊपर देखते हैं कि एक इस तरह से रेखा देखते हैं और एक ये नीचे की ओर रेखा देखते हैं, इन रेखाओं का क्या तात्पर्य होगा और ये क्या जो है वो किस बात की प्रतिनिधि है या किस बातों के प्रतीक है, इसको भी हम अगर संभव होगा तो आप में से जो विद्वान इस विषय पर चर्चा कर सकते हो वो अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। बाकी बातों को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि पिछली बार इस विषय को हमने लिया था। खोज करते करते मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, ढूंढा और मिल गई कि अ और आ आदि जो हैं इनके बहुत अर्थ दिए हुए हैं, बहुत व्यापक अर्थ दिए हुए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबको पढ़ने नहीं जा रहा लेकिन केवल आपको बता रहा हूं क्योंकि समय की सीमा का मैं ध्यान रखना चाहता हूं कि ये सारे के सारे अक्षर, इनके देवता, इनके न्यास और इनके अर्थ, ये सभी के सभी हमें शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं जिसके विषय में डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे। अब इसमें मातृका न्यास को भी आप देखिए कि इसको आप अपने शरीर में, अपने देह में जो है वो स्थापित करते हैं, तो इसका मतलब है कि इन वर्णों का कितना ज्यादा प्रभाव है। ये पूरे एक एटमिक फोर्स है जिसको हम अपने देह में और अपने आसपास चारों ओर इनका प्रयोग हमें करना सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप एक विशेष प्रकार के वर्ण समूह को अंगूठों में, एक विशेष प्रकार के वर्ण समूह को अपनी तर्जनी में, मध्यमा में, अनामिका में, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग में इनको स्थापित करते हैं और फिर आप अग्रसर होते हैं इस विषय में मातृकाओं को जानने और समझने में। ये सब बातें पिछली बार थी, इसमें मैं नहीं जा रहा कि अ जो है वो अष्टभुजा स्वर्ण वर्ण है, उसका चतुर्मुख उसका स्वरूप है और कूर्म उसका वाहन है, और आ आ ये सारे के सारे वर्ण हैं के लिए कि दोहराने के लिए मैंने ये यहाँ पे चीजें रखी हैं। आप ये सारे वर्ण देख सकते हैं, इन वर्णों का प्रभाव यहाँ पे दिया हुआ है कि अ जो है वो मृत्यु बीज भी है, आ जो है वो आकर्षण बीज, आदि आदि। इन सब विषयों पर हम पिछली बार चर्चा कराए हैं और मैं इस लिंक को दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसी तरह से हमने पिछली बार वर्णों के देवता शक्ति और उनके अन्य रूपों पर हमने बातचीत की थी, ये सारे के सारे वो भी उपलब्ध हैं आपके पास, तो इनको, और फिर केवल इतना ही नहीं, उनके वर्ग क्या हैं, उनके ग्रह कौन से हैं, उनकी राशि कौन सी है, इन सब वर्णों के ऊपर भी, इन सब विषयों पर भी हमने चर्चा पिछली बार की थी। लेकिन ये एक बार में की हुई चर्चा जो है वो पर्याप्त नहीं होती, बार बार इसका स्वाध्याय करना होता है। ये पढ़ने से नहीं आती, ये स्वाध्याय से और गुरुमुख से सीखने पे ही समझ में ये बातें आती हैं। तो ये सारी बातें थी, और इस विषय के ऊपर जो है हमने पिछली बार श्री अरविंद की एक कविता का एक छोटा सा अंश भी देखा था, इस जो जहां पर वो ये स्थापित करते हैं कि आप वर्णों को जो है और उनके अर्थों के जो उनकी नेचर है उसके किस तरह से उनके आपस के संबंध को एक उसमें एकात्म बनाएं, तादात्म्य बनाएं, और तब जाकर के आप अनुभव के ओर अग्रसर होते हैं।
ये सारी की सारी कोटेशंस हैं, ये सारे उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं श्री अरविंद की, जो उनका ऐसे है द एलिमेंट्री रूट्स ऑफ लैंग्वेज। बहुत रुचिकर है हम सभी के लिए, इसको पढ़ना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है और पूरी गंभीरता से हमें पढ़ना चाहिए। और केवल इस बात पे आके मैं रोकूंगा अपनी बात को कि उन्होंने श्री अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने, इसीलिए उनको महर्षि कहा जाता है कि जैसे कि उन्होंने इन बातों को दिया है कि अवर्ण जो है वो एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव एग्जिस्टेंस का प्रतिनिधि है, इसी तरह से उन्होंने सभी वर्णों के बारे में अपने अनुभव से, योग के अनुभव से उन्होंने इन वर्णों के अर्थों को, इनके स्वरूप को स्पष्ट किया। ये सारे वो वर्ण हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। साथ ही साथ एक दो बातें और आप देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि ये जो श्री यंत्र आप यहाँ पे विद्यमान देख रहे हैं, इसके प्रत्येक त्रिकोण में जो वर्ण है उनको स्थापित किया गया है। अब प्रत्येक त्रिकोण में किसी वर्ण को स्थापित करना और कौन से त्रिकोण में कौन से वर्ण को स्थापित करना और वहां शक्ति कौन सी है, ये भी अपने आप में जानने योग्य बड़े सुंदर और सुखद बात है, बड़े एस्थेटिकली भी और फिलोसफिकली भी ये बड़ी रुचिकर बात है। ये एक यंत्र है जिसे आप वर्णों को सीधे क्रम से और विपरीत क्रम से आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल जो आउटर आप सर्कल देख रहे हैं इसमें सीधे क्रम से इसमें आपको दिखाई देगा और जो उसके नीचे अंदर का जो चक्र है उसमें विपरीत क्रम में आपको वर्णों की मात्राएं मिलेंगी, वर्ण मिलेंगे और फिर वो धीरे धीरे भीतर जाएंगे। हालांकि ये चित्र स्पष्ट नहीं है लेकिन आपको भीतर भी उनकी प्लेसमेंट विभिन्न प्रकार से जैसे की गई है वो सारे के सारे विषय मिलेंगे जो अपने आप में जानने योग्य बात है। यानी कि एक एक यंत्र, एक एक मंत्र जो है वो एक एक अलग लेक्चर का विषय है। इन सब बातों को जानने और समझने के लिए आज जिन आदरणीय विद्वान को हमने आमंत्रित किया है, साधक को आमंत्रित किया है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के, और फिलॉसफी के साथ साथ तंत्र के ऊपर उनका उनकी विशिष्ट महारत है। और वो जैसे मैंने शब्द उनके लिए प्रयोग किया, वो साधक भी हैं और विद्वान भी हैं, यानी कि शास्त्र को जानते भी हैं और शास्त्र का उनको अनुभव भी है। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं आप और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। तो अपनी बात को मैं यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जागे आत्मकम स्मृतम तयोर योगे भवन अभवन नादास्तेभ्यो जातास्त्री शक्तया, यानी कि बिंदु शिवात्मक हैं, बिंदु शिव हैं, बीज शक्त्यात्मक हैं और इन दोनों के योग में नाद है। ध्यान दीजिएगा इन बातों का, अतः यह शिव शक्त्यात्मक है। लेकिन ये कैसे हैं, इस सारी प्रक्रिया को जानने और समझने के लिए, उसके सारे विषय को विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, बड़े विनम्र भाव से, कि हालांकि ये सामान्य चर्चा के विषय नहीं होते हैं लेकिन अगर इसको हम चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे तो अन्य लोगों तक इस बात को आगे पहुंचाएंगे कैसे और इसमें योग्य साधक और रुचि लेने वाले लोग भी कैसे आएंगे। तो इसलिए इस विषय को हम चर्चा के लिए लेकर के आए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस सारे विषय को जो है शास्त्रीय दृष्टि आरंभ करें। और ये बात आप जानते ही हैं, त्रिपुर महिमना स्तोत्र को जिन लोगों ने पढ़ा है, इसका स्वाध्याय किया है या नहीं भी किया है तो आप जरूर इस त्रिपुर महिमना स्तोत्र को देखें, जहां पर वो कहते हैं कि हे मातृके, अनेक प्रकार के सार्थक धातु अर्थ पद वाक्य और छंद को उत्पन्न करने वाले और अनंत रूप में प्रसिद्ध कारण सहित अर्थ और कर्म फल देने वाले अपने शरीर से उत्पन्न 50 अक्षरों से सारे विश्व में व्याप्त होकर आप अहम अहम कहकर अपनी घोषणा करती हैं। तो ये मातृका है, मातृका का स्वरूप। इस मातृका के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा जी को। सर, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आ ब्रह्मांड पिपिलिकांत तनुभित सुदृंभमाणास्मृतम
जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भाषकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्री विद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदम आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मंडलं वीरान् द्वष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वंदे गुरु पदद्वंद्वं अवांग मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं अतर्क्यं तेजपुरं महः नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्रमथाश्च शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाश्च पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं संत्रोटकं वात्रकारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विद्वत्जन उपस्थित हैं, गुरुजन उपस्थित हैं, आचार्यजन उपस्थित हैं और उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, उन सबको मैं प्रणाम करके और अपनी बात शुरू करूंगा। आशुतोष जी ने बड़े संक्षेप में बहुत कुछ बता दिया, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं कुछ बातें जो है मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो हमने जो आज का जो विषय रखा था कि भी शब्द शास्त्र, एक तो शब्द शास्त्र में क्या है और एक मंत्र शास्त्र में या तंत्र शास्त्र में या आगम में क्या है। तो आगम क्या कहते हैं, तो इसमें हम भाषा को देख रहे हैं। यहाँ जो भाषा है और जैसे पश्चिम के दर्शनों में भाषा है वो एक जैसी नहीं है। पश्चिम के दर्शनों में भाषा हम लोगों के द्वारा तय की गई है, हमने कुछ शब्द निर्धारित कर लिए, अर्थ निर्धारित कर लिए, पर हमारा व्यवहार चलता है। हमारे यहाँ भाषा को उस रूप में नहीं देखा है। हमारे यहाँ भाषा को बहुत ज़्यादा मतलब इनको महत्व दिया गया, भाषा का, शब्दों का बहुत महत्व दिया गया। शब्दों को ये माना गया कि शब्द जो है वही ब्रह्म है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं कि एक शब्द है सम्यक ज्ञात है सुष्टु उपयुक्त है शास्त्रान्वित है स्वर्गीय लोके च कामधुक भवती। कि एक ही शब्द को अगर आपने जान लिया, ज़्यादा जानने की जितनी, अगर आपने एक शब्द को अच्छी तरह जान लिया, उसका प्रयोग कर लिया, तो वह स्वर्ग में और इस लोक में आपकी सभी इच्छाएँ पूरी कर देगा। तो एक एक शब्द जो है वो शब्द है क्या चीज़, और शब्द का इतना महत्व क्यों है, और किसी भी भाषा में या दर्शन में भाषा पर इतना दार्शनिक अध्ययन नहीं हुआ जितना भारत में हुआ, इसके पीछे जो कारण है कि दो तरह के दार्शनिक होते हैं। एक दार्शनिक जो होते हैं वो कहलाते हैं कि हम तार्किक हैं, हम युक्ति को मानते हैं और हर बात को हम तर्क से सिद्ध करेंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टि से चलते हैं। एक दार्शनिक वो होते हैं कि जो वो ये मानते हैं कि हर बात जो है हमें श्रुति से मिली है और श्रुति प्रधान है, उनको श्रोत दार्शनिक कहते हैं और उसको तार्किक कहते हैं। तो तार्किक दार्शनिक अलग भाषा की दृष्टि को देखते हैं और श्रोत दार्शनिक अलग दृष्टि को देखते हैं। विद्यारण्य जी सर्वदर्शन संग्रह में मानते हैं कि दो तरह के दार्शनिक हैं और हम लोग श्रोत दार्शनिक का ही विषय है। ये इसमें जो न्यायिक हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, ये जो विद्या है इसीलिए इसको गोपनीय बताया गया कि न्याय शास्त्र जो है उसकी दृष्टि से ये बात सिद्ध नहीं होगी, पर ये श्रुति से सिद्ध होगी। हम जो भी कहेंगे उसमें श्रुति प्रमाण होगी। श्रुतियाँ दो तरह की होती है, एक वैदिक श्रुति होती है और एक तांत्रिक श्रुति होती है। पुल्लुक भट्ट ने दोनों को प्रमाण माना है। तो आगम और निगम में जो बात कही गई उस बात के आधार पर ये पूरा तंत्र शास्त्र में इनका विवेचन किया गया है। और यहाँ जो भाषा का जो विवेचन है उन्होंने ये माना कि सब कुछ शब्दमयी है। अभिनव गुप्त कहते हैं सकल शब्दमयी किल ते तनु, कि संसार में सब कुछ शब्दमय है। शब्दमय क्यों है, इसके पीछे तर्क क्या है कि सब कुछ शब्द क्यों है। तो कहते हैं कि उपनिषद में कहते हैं कि आकाश संभूत है, आकाशात वायु वायु अग्नि अग्निर्जलम, कि सबसे पहले आकाश बना। आकाश किसे कहते हैं, आकाश उसे कहते हैं जिसमें शब्द होता है। आकाश में शब्द गुण है सभी मानेंगे, तो सबसे पहले शब्द तत्व बनता है और शब्द के बाद में जो है वायु बनती है। तो वायु में दो तत्व होते हैं, उसमें स्पर्श भी होता है और शब्द भी होता है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो अग्नि में क्या होता है, तो अग्नि में भी शब्द होता है और उसमें रूप एक अलग चीज़ आती है। और चौथा तत्व जल है, उस जल में रस भी होता है। और अंतिम तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी में गंध भी होती है। पर शब्द सब में होता है, शब्द के बिना कोई नहीं होता। इसलिए सांख्य दर्शन में कपिल ने यह माना कि
शब्द की तन्मात्रा है, हर चीज में शब्द मिला हुआ है। आप पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश यानी जो संसार बना उन सब में शब्द है या नहीं है, उसमें सब में शब्द है। अब तार्किक इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वो चार ही तन्मात्रा चार ही परमाणु मानते हैं, उन्होंने आकाश का परमाणु मानने से इनकार कर दिया। तो वो दृष्टि एक अलग है, उनकी जो दृष्टि है वहाँ भाषा है केवल ध्वनि मात्र है और वो दिव्य भाषा नहीं हो सकती। पर जो हमारा वैदिक दृष्टिकोण है, आगम का दृष्टिकोण है या निगम का दृष्टिकोण है, उसमें हमने शब्द में शब्द माना है कि शब्द में शब्द है। क्यों शब्द है आप देख लीजिए सामने कि आकाश में शब्द है तो सब मान रहे हैं, न्यायिक भी मानते हैं। अब हवा में शब्द है या नहीं है, हवा जब चलती है तो शब्द आता है या नहीं आता है, हवा के पंखे के चलने की आवाज़ आ रही है और हवा बहने की आवाज़ आती है तो शब्द होता है। जल में जब पानी गिरता है आवाज़ होती है, बहता है तो आवाज़ होती है, तो जल में भी शब्द है। और अग्नि में जब अग्नि हम जलाते हैं तो धक धक या फक फक ऐसी आवाज़ होती है, अग्नि में भी शब्द है या नहीं है। और वायु पृथ्वी में तो शब्द है ही, कोई भी आवाज़ करने पर एक ध्वनि पैदा होती है। इसलिए ये मानते हैं कि सब कुछ जो संसार है वो सकल शब्दमयी किलते तमु, ये अभिनव गुप्त कहते हैं कि सब कुछ शब्दमय है, शब्द के अलावा कोई चीज तो है ही नहीं। हम जिसको मैटर कहेंगे या जो भी आप कहें पांच तत्व कहें, उन सब में शब्द ही तो प्रधान है क्योंकि शब्द पांचों में आता है। हवा के अंदर बाकी जो तत्व है, मान लो पृथ्वी में पंचगुणा पृथ्वी है, पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं हैं और औरों में जल में चार हैं। इस तरह जो हम सांख्य का विवेचन स्वीकार करते हैं, यही दर्शन जो है सांख्य दर्शन को आधार बनाया। सांख्य दर्शन और शाक्त दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, ये सब दर्शन एक ही तरह का आधार मानते हैं। न्याय दर्शन का आधार जो है और पश्चिम के दर्शनों का आधार वो थोड़ा सा अलग है। अब इसलिए हमें भाषा का जो महत्व है वो इन दर्शनों से लेना पड़ेगा, जो वैदिक दर्शनों से या आगम से लेना पड़ेगा। दोनों में एक ही बात कही गई, सबसे पहला जो शब्द क्या है, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो मेरा शरीर है, ये शरीर एक चीज़ है, तो ये हमारा भौतिक स्वरूप है, शरीर हमारा भौतिक स्वरूप है। अब इसमें जो सूक्ष्म, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, ये पंचभूतात्मक शरीर है। अब इस शरीर के अंदर जब जाएंगे इंद्रियां आती है, इंद्रियां क्या है, उनको उनका देव कहा उन्होंने कि हर इंद्रिय में एक देवता होता है, 10 इंद्रियां हैं, एक 11वीं इंद्रिय मन है, इन सब में देव एक और तरह का शरीर है, उसको हम कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है या उसको उसमें देवता हमारे मानते हैं। ऐसा महाभारत में और सब इंद्रियों में एक एक देवता बताया गया कि इस इंद्रिय का ये देवता, इस इंद्रिय का ये देवता है। अब तो वहाँ देवता की बात आ गई, तो जो न्याय का विवेचन था वो केवल भौतिक शरीर पर था, इनका जो विवेचन है वो दैविक शरीर आता है, उसको आदिदैविक विज्ञान कहते हैं। पिछले व्याख्यान में प्रोफेसर आंगिर जी ने बहुत सी बातें स्पष्ट की थी कि एक तो होता आदिभौतिक और एक होता आदिदैविक। तो आदिदैविक जो है उसमें प्रत्येक शरीर में अनेक देवता हो जाते हैं और प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता होगा और सबका देवता होगा। अब कुछ और ऐसी इंद्रियाँ भी हैं जो हमें बाहर का भी होती नहीं है, जैसे मान लीजिए मन बुद्धि अहंकार, तो इंद्रिय मन प्राण, वेदों में कहते हैं इंद्रिय मन और प्राण, ये तीन चीज़ें क्या है, इंद्रियों का देवता अलग होगा, मन जो मन से हमारा संबंध ज्ञान का है और प्राण से क्रिया का संबंध है। इन तीनों को इंद्रिय मन और प्राण, ये तीन जो शरीर है इन्हीं को हम कहते हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये तीन प्रधान तत्व हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अब कौन किससे पैदा हुआ, ज्ञान से इच्छा हुई या इच्छा से ज्ञान हुई, तो नैयायी कहेंगे कि ज्ञान जन्या भवेत इच्छा, कि ज्ञान से इच्छा होती है, इच्छा से क्रिया होती है। ये हमारा मनुष्य का जो व्यवहार, हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी इच्छाएं और हमारी क्रिया शक्ति, तीन चीज़ होती है। तो पहले ज्ञान होता है, ज्ञान से इच्छा होती है और इच्छा से क्रिया होती है, इस तरह से संसार का व्यवहार चलता है। बाकी ये शाक्त दर्शन जो है इसको नहीं स्वीकार करता, वो कहता है कि इच्छा होगी तो ज्ञान होगा, इच्छा प्रधान होती है और इच्छा होती है तो ज्ञान होता है। अगर इच्छा नहीं है, मेरी कुछ जानने की इच्छा नहीं है, तो आप कुछ बताइए मेरे समझ में नहीं आएगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है। तो प्रत्येक ज्ञान इच्छा के अनुसार होता है, इच्छा प्रधान तत्व होती है, इच्छा जो है वो प्रधान शक्ति होती है, इच्छा के बाद ज्ञान होता है, क्रिया होती है। तो दो तरह की दृष्टियां हमें पता लग जाती है कि पश्चिम के दर्शन में और भारतीय दर्शन में दो दृष्टियां अलग हुई, जिससे हमें जिस दृष्टि में जाने, सांख्यिकी दृष्टि अगर हम मान लेते हैं और सांख्यिकी दृष्टि से मानने से हमें भाषा का एक दूसरा रूप मिलता है, वो आदिदैविक स्वरूप है। यानी प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई देवता होगा ही, जैसे इंद्रियों का देवता है तो देवता होगा। और देवता के बाद में आगे जाएं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये हमारी तीन अवस्थाएं हैं, इसको हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं। हम जब जग रहे हैं तो हमारे सामने जगत है और सब कुछ हमें दिख रहा बाहर, जब हम सोते हैं तो बाहर तो कुछ नहीं होता पर अंदर फिर भी कुछ दिखता रहता है। तो इन तीनों को हम ऐसे समझें कि जब मैं सो रहा हूँ, सपने में हूँ, तो सपने में मेरे को कुछ दिखाई दे रहा, ज्ञान तो होता सपने में पर इच्छा नहीं होती, जागृत में इच्छा होती है और दिखता भी है और ज्ञान भी होता है।
पर जब नींद आती है, गहरी नींद में हूँ मैं, तीसरी स्थिति में हूँ, उस समय मेरे पास ज्ञान है या नहीं है? तो कहते हैं कि नींद में ज्ञान नहीं होता, शून्यालंबन वृत्ति निद्रा। योग सूत्र कहता है कि जब शून्यावस्था में है उस समय गहरी नींद में है तो ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान शून्य अवस्था है वो। तो जब ज्ञान शून्य है और इच्छा शून्य है तो उसमें क्या चीज़ है? तो नींद में क्रिया चलती है। नींद जो है वस्तुतः जो सोना है वही क्रिया है। तो ऐसा कहती है भगवती खुद कि जब मैं निद्रा रूप हूँ, मैं जब नींद में आती हूँ, निद्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रि दुरत्या, तो दुर्गा सरस्वती में रहस्य में कहते हैं कि मैं निद्रा रूप हूँ, विश्वेश्वरी जगत आती हूँ, तो मैं जगत को सुलाती मैं हूँ। निद्रा रूप में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मेरा ज्ञान खत्म हो जाता है और मेरी इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या? मैं प्रत्येक जीव को यह कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारा ज्ञान खत्म और तुम्हारी इच्छाएं खत्म, क्रिया रहती है। क्रिया का था प्राण। प्राण जब से हम जन्म लिए अंतिम दिन तक हमारे प्राण चलेंगे, तो प्राण शक्ति रहती है, उसमें केवल काली रहती है और कोई शक्ति नहीं रहती। तो उस शक्ति को कहते हैं कि ये हमारी तीसरी अवस्था है। अब ये दिन में भी हमें नींद आती है, मान लीजिए मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, उसको नींद आ जाएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हर समय ये तीनों शक्तियाँ जो हैं, इसको ज्ञान और क्रिया इच्छा, ये तीनों हमें हर समय क्रम से आगे पीछे चलती रहती है। गीता में से बताया गया कि एक सतोगुणी है, एक रजोगुण और एक तमोगुण है, और तंत्र में कहा गया ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियों का खेल चलता रहता है। और इन तीनों के आगे जो है वो पराशक्ति है। अब पराशक्ति क्या है? तो उसमें ज्ञान क्रिया इच्छा इससे भी आगे की शक्ति है। तो वो उसका वर्णन कैसे करें, उसका वर्णन हमें किस तरह से उस पराशक्ति को जान सकते हैं, क्योंकि पराशक्ति को जानने का कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। पराशक्ति को समझने में वेद भी असमर्थ है। आप वेद पढ़ लीजिए, वेदों से भी पराशक्ति का ज्ञान नहीं होगा। आप तंत्र पढ़ें, उससे भी नहीं होगा, तो निगम से भी नहीं होगा। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं अपने स्तोत्र में एक में कि प्रातस्त्वे परशिवाम ललिताम भवानीम त्रय्यंत वेद्य विभुआम करुणान वद्यम विश्व सृष्टि विलय स्थिति हेतु भूताम विद्येश्वरी निगमवांग मनसाति दूराम। कि हे विद्येश्वरी, सब विद्याओं की मालिक तुम हो और तुमको निगम से हम नहीं जान सकते। कितना वेद पढ़ लो हमें पराशक्ति का ज्ञान नहीं होगा, निगम वाणी से भी ज्ञान नहीं होगा और मन से भी नहीं होगा, तो होगा कैसे? तुम संसार को उत्पन्न करती हो, तुम्हारे अंदर सृष्टि स्थिति संहार है, तुम्हारे अंदर पंच शक्तियां हैं। तो तीन तो मैंने बताई, ज्ञान क्रिया इच्छा, इसी से हमारा संबंध है सृष्टि स्थिति और संहार से, और अनुग्रह निग्रह। तो ये पांच जो रूप हैं, इसे इसी से पांच तत्व बने। पांच तत्व के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको संकेत किया कि ये जो पांच तत्व हैं वो भी शब्द से बने, और इंद्रिय मन प्राण ये भी शब्द से बने, और इस तरह से टोटल आठ तत्व गीता मानती है। प्रकृति कहते हैं कि अष्ट प्रकृति जो है वो ये संसार आठ चीजों से बना हुआ है। इसे ही शैव लोग इसे अष्टमूर्ति शिव कहते हैं। कालिदास पढ़ेंगे तो कालिदास के उसमें, कालिदास के हम जब पढ़ते हैं तो कालिदास में हमें पता लगता है कि अभिज्ञान सा मतलब में कहते हैं कि अष्टमूर्ति शिव की है। इसमें पांच तो ये मूर्तियां हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु, और दो मूर्तियां उसमें चंद्रमा और सूर्य। तो ये सात हो गए। इसी को चंद्रमा को हम मन कहते हैं और सूर्य को हम बुद्धि कहते हैं। तो मन और बुद्धि, और तीसरा जो कर्ता है, यजमान है, आत्मा है, वो तीसरी शक्ति है, उसको हम कहते हैं कि वो यजमान जो है वो शिव की आठवीं मूर्ति है। तो इसे हम इस तरह से आठ मूर्ति के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आठ शक्तियाँ, आठ मातृकाएँ कहलाती है कि आठ मातृकाएँ हैं, सब कुछ इन आठ शक्तियों से हुआ। अब इसको जानने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? तो कहते हैं शब्द के अलावा कोई रास्ता नहीं है, केवल शब्द ही वहाँ आपको ले जा सकता है। शब्द के हम तीन रूप देखते हैं। जैसे मान लीजिए तीन रूप कौन से हैं शब्द के? एक तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं वाचिक बोल सकता हूँ, यानी मैं स्तुति कर रहा हूँ, तो स्तुति का शब्द अलग है, उसमें केवल मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। एक तो मैं उच्चारण को समझना होगा कि शब्दों का उच्चारण कैसे हुआ। आपका जो प्रश्न था कि शब्दों का उच्चारण प्रक्रिया क्या है, तो एक उच्चारण हुआ केवल शब्द का, और स्तुति एक होता जप। अब जप में उच्चारण नहीं होता, जप जो है उसे कहते हैं कि वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है। मानसिक को हजार गुना बताया गया कि आपकी कुछ कहीं आपकी इंद्रिया चल ही नहीं रही है, उच्चारण नहीं हो रहा है, और उसे हम मानसिक जप कहते हैं। तो मानसिक जप जो है वो, और स्तुति का जप, वाचिक जप, दोनों में एक अंतर है। तो वहाँ शब्द है या नहीं है? अब शब्द हम केवल वाचिक को माने, या जो मानसिक में जो चल रहा है जिसको जप कहते हैं, वो जप का शब्द कौन सा शब्द है? इसलिए कहते हैं कि जो दार्शनिक है, न्याय वाले तो कह देंगे हम केवल स्तुति को ही मानते हैं। जो ध्वनि हुई, ध्वनि का उच्चारण हुआ, ध्वनि नष्ट हो गई, तो वो केवल ध्वनि का उस रूप को लेते हैं। पर यहाँ जैसे साहित्य शास्त्र में या ध्वनि की व्यंजना की स्थापना की जाती है, तो
तो व्यंजना के अनुसार जो ध्वनि जो अंदर की जो ध्वनि है वो उसमें ध्वनि तो होती नहीं है। आप शरीर में आंख बंद करके जप कर रहे हैं और उस जप में आपको जो भी जप चल रहा है तो वहाँ कौन सा रूप है, तो वो जो रूप है वो दिव्य रूप कहलाता है। कि वहाँ मंत्र जो है वो सूक्ष्म रूप में है और सूक्ष्म से और सूक्ष्म होगा और सूक्ष्म होते जाएगा तो धीरे धीरे हम वर्ण के उस एकदम गहन रूप में जाएंगे। जब गहन रूप में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो आचार्य शंकर कहते हैं प्रपंच सार में, कि प्रपंच सार में कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उनमें प्राण चलते हैं, तो प्राण से एक ध्वनि होती है या नहीं होती है, तो जो ध्वनि होती है वो कौन सी ध्वनि होती है, तो कहते हैं हम और स, ये दो ध्वनि मानते हैं सभी दार्शनिक योगी लोग कि सांस लेने में और छोड़ने में हम और स की ध्वनि होती है, या ये मान लीजिए सो हम, ये ध्वनियाँ होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो ध्वनियाँ हैं इस ध्वनियों में से है को और स को हटा दो, तो है और स जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो केवल ओम बचेगा। सोहम में से आप स हटा दीजिए और है हटा दीजिए तो केवल ओम बचता है। तो हम प्रत्येक श्वास के साथ प्रत्येक प्राणी ओम को जपता है, अजपा नाम गायत्री मुनिना मोक्षदायिनी, कि प्रत्येक प्राणी जब तक जीवित रहेगा वो सो रहा हो जग रहा हो उस समय केवल एक ही ध्वनि होती है, ओम की ध्वनि होती है। ये पृथ्वी भ्रमण करती है इसमें भी ओम की ध्वनि होती है। तो ओम की जो ध्वनि है उस ध्वनि में, ओम की ध्वनि में तीन वर्ण है, अ उ म, ये तीन वर्ण मानते हैं, कुछ लोग तीन मानते हैं, पर इसमें बहुत से 12 वर्ण तक सिद्ध किए गए कि इसमें 12 वर्णों का उच्चारण ओम के अंदर। तो अ जो है वो अ और उ और म, तो ये मूल वर्ण तीन हुए, समुच्चय भाषा इसी से बनी हुई है, अ उ और म। अब अ उ म जो तीन ध्वनि इनको वो कहते हैं त्रिमात्रा है, अर्धमात्रा स्थानित्या यानुचार्या विशिष्ट है। दुर्गा सरस्वती में वो कहते हैं कि आधी मात्रा है, तो आधी मात्रा तो अलग है, 3.5 मात्रा मानते हैं, एक ऐ की मात्रा है, एक उ की, एक मैं की, और अर्धमात्रा स्थानित्या यानुचार्या विशिष्ट है, जो आधी मात्रा वो बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, इसका उच्चारण नहीं होता है ओम। तो अब जो मैं लंबा चलेगा उस लंबे में इसको हम लिख भी नहीं सकते, उसी के अंदर ये नौ जो आज तो शुरू में बताया कि जो इसमें नौ अवस्थाएं हैं वो नाद से लेकर के बिंदु तक जो अवस्थाएं हैं उन्मनी आदि, वो नौ अवस्थाएं इसमें होती है और उनको हम वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मतलब वो एक मात्रा में नहीं है, दो मात्रा में नहीं है, तीन मात्रा नहीं है, आधे में नौ मात्राएं हैं। तो 1/2 का भी आप 1/9 करोगे तो वो मात्राएं जो वो और भी सूक्ष्म मात्राएं हैं, उनको तो हम लिख ही नहीं सकते। और इसी को जब वो जो मात्राएं हैं उसमें मैं में जो बोलते हैं, इस मैं में क्या चमत्कार है, तो कहते हैं मैं में चमत्कार ये है कि मैं जो है जैसे मैं बोलेंगे तो हमारे होठ बंद हो जाएंगे, मतलब मैं बोलेंगे आप तो दोनों होठ बंद हो जाएंगे, और जब आ बोलेंगे तो हमारी आवाज शुरू होती है, आ कंठ से चलता है और मैं हमारे को बंद कर देता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम राम बोलते हैं राम, तो रा बोलने से हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वो निकल जाते हैं, मैं बोलने से मत हो जाते हैं, हमारे सब पाप कट हो जाते हैं। जितना आप राम राम करेंगे तो आपको राम नाम मणि जी पथरू जी दे द्वार तुलसी भीतर बाहिरे जो चाशी उदिया, बार बार राम करने से क्या होगा कि आपके भीतर और बाहर दोनों प्रकाश हो जाएगा, कि भीतर का जो अंधेरा है वो निकल जाएगा, मैं से बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मैं ध्वनि क्या है और ओ ध्वनि क्या, इन ध्वनि को जब हम गहराई से देखेंगे, ओम का विश्लेषण करेंगे, तो इससे हमारी पूरी हमें समझ में आ जाएगा कि भाषा हमारी संस्कृत भाषा कैसे बनी हुई है। तो इसमें मूल ध्वनि अ और उ, अ को हम कहते हैं कि अकार जो है वो ब्रह्म है और उ जो है वो महेश्वर है, अ और उ को जब मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। हम संधि के नियम पढ़ेंगे पाणिनि व्याकरण में, तो अ उ को मिला के ओ बना लेते हैं और उ अ को आगे पीछे करेंगे तो वह बन जाएगा। तो इस तरह से इन्हें पता लगा कि ये दो ही ओम वर्ण में से अ और उ ने अपनी सृष्टि शुरू की, तो ऐसे ओ बन गया और उसी तरह से वह भी इसी से बन गया, यह वाला जो है वो ई ई और एक ई वर्ण। तो टोटल वर्ण हम मानते हैं मूल वर्ण जो 5 है, अ ई उण, ये मूल वर्ण है अ ई, जो अरविंद ने बताया महर्षि योगी अरविंद ने कि अ ई उ और री और री, ये 5 जो वर्ण है ये हमारे मूल वर्ण हुए। ये हैं क्या, तो कहा कि ये उच्चारण का भेद है, स्थान का भेद है। जैसे अ बोलते हैं वो कंठ में बोला जाता है, अ ई बोलते हैं तो तालु में, उ बोलते हैं तो वो ओष्ठ में, री जो है मूर्धा में और लरी दंत में। तो ये 5 हमारे अंदर स्थान है, 5 स्थान के अनुसार हम ये मानते हैं व्याकरण लोग कि हमारे 5 तरह के उच्चारण होते हैं और उनको हम 5 तरह से विभाजित कर सकते हैं। कुछ उच्चारण ऐसे हैं जो इन 5 से बाहर भी हैं, जो वो कहते हैं कि पाणिनि शिक्षा में पाणिनि कहते हैं कि जो हमारे अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरक्कंठ शिरस्ता, कि 8 स्थान होते हैं वर्णों के उच्चारण के लिए। तो ये जो
उच्चारण सामान्य लोग उच्चारण करते हैं उसमें हमारे पांच इंद्रियां पांच स्थान है, एक कंठ वर्ण कहलाते हैं, एक तालु वर्ण कहलाते हैं कि कंठ वर्ण एक है, तालु वर्ण एक है, तालव्य और मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण और औष्ट वर्ण। तो ये पांच तरह के हम वर्णों का विभाजन करते हैं और ये स्थान के भेद से करते हैं। अब इस स्थान भेद को हम और थोड़ा सा बदलना चाहें तो इसमें जब लंबाई बढ़ा देते हैं, इसका काल बढ़ा देते हैं तो ऐ से आ बन जाता है। आ और आ में अंतर क्या है? और थोड़ा लंबा बोलेंगे तो प्लुत बन जाता है। तो कहते हैं ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत, पाणिनि का सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये उच्चारण का भेद, एक मात्रा को अ कहते हैं, दो द्विमात्री को आ कहते हैं और त्रिमात्री को हम कहते हैं अ, तो वो प्लुत कहलाता है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि अ का जो उच्चारण है वो अ, ये कालिक भेद होता है, स्थान भेद से ये वर्णमाला का एक संसार बन गया। शब्दों का संसार हमारे समझ में आ जाएगा तो जगत का संसार भी उसी तरह शब्दों से बना है। दुनिया भी कैसे बनी है, उसमें भी शब्द हैं और इसमें भी शब्द हैं। एक शब्द की सृष्टि जो है, शब्द हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि शब्द से हमारा संसार व्यवहार चलता है। शब्द अगर नहीं होंगे तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। भर्तृहरि ने कहा न सोस्ति प्रत्यलोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिमं ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, कि संसार के जितने भी ज्ञान है वो शब्द के द्वारा ही हम व्यवहार ले सकते हैं। हम शब्दों के अगर भाषा नहीं रहेगी, हम नहीं लेंगे तो समस्त ज्ञान को बताने के लिए मनुष्य का अगर ज्ञान व्यक्त होगा तो शब्द के माध्यम से होगा। तो शब्द शब्द को बताता है, शब्द अर्थ को भी बताता है, शब्द ही ज्ञान को बताता है। इन तीनों को बताने के लिए शब्द एकमात्र है। और शब्द जो है, अब वेदों को हम माने कि वेद शब्द हैं तो उनका एक अर्थ भी होगा और उनका एक ज्ञान भी होगा। हर चीज में तीन चीज होगी, उसी को हम ज्ञान, क्रिया और इच्छा कहते हैं। सूर्य को जब हम देख रहे हैं तो सूर्य का जो रूप भौतिक वैज्ञानिक के लिए एक हेलियम गैस का गोला होगा, पर हमारे लिए वैसा नहीं होगा कि गोला है, उसके अंदर मैटर क्या है, उसका प्रकाश कहाँ से जा रहा है। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसमें कहते हैं कि उस सूर्य की वो शक्ति कौन सी है, उस शक्ति को हम नमस्कार करते हैं कि तत्सवितुर वरेण्यम, कि वो वरेण्य शक्ति है। तो उसकी शक्ति जो प्रकाश शक्ति है जो आती है तो जगत को पैदा कर देती है, तो सवित्री शक्ति कहते हैं। वो सविता सवित्री शक्ति जो है, सावित्री जो है, वो संसार को पैदा करती है। अगर सूर्य की किरणें हमारे पास नहीं आएंगी तो वहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता। शाम को सूर्य जब जाता है तो किरणें उसके साथ चली जाती हैं, तो उनका जो आवागमन चलता रहता है। तो इसी तरह से हमने ये माना कि जो तीन तत्व हैं, बताए गए तीन तरह के तत्व हुए, एक तो सूर्य तत्व है, एक अग्नि है, और इसके ऊपर पूरा एक दैविक विज्ञान है कि देवताओं का विज्ञान के अग्नि, सूर्य और सोम, ये तीन तत्व होते हैं। इसी को ज्ञान, क्रिया, इच्छा कहें, या ये तीन तरह के तत्व से ये समस्त संसार बनता है। और इसमें जो पहला जो प्रश्न है, अब मैं आपके जो प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ, कि पहला जो आपका प्रश्न था कि वर्णमाला कैसे बनी होगी, तो वर्णमाला के ऊपर एक प्रोफेसर थे LS वाकणकर, उज्जैन में थे, उन्होंने पूरा इस पर निर्णय किया कि भाई वर्णमातृका कैसे बनेगी। तो उन्होंने बताया कि वर्णमातृका का बनाने का जो तरीका है वो ओम से बनेगा। ओम जो है वो दो तरह का होता है, ओम को एक वैदिक ओम लिखते हैं और एक तांत्रिक ओम लिखते हैं। तो दो तरह से हम ओम को लिखते हैं कि वैदिक ओम क्या है और तांत्रिक ओम क्या है, उसी से हमने इसको लिखना सीखा है, उसी से हमने लिखना सीखा है कि वो कैसे लिखते हैं हम। तो वो कहते हैं कि वैदिक ओम क्या था, उसमें उसका एक आकार है और उस आकार से उन्होंने निर्णय किया कि वो पहले वैदिक ओम और तांत्रिक ओम को लिख ले। तो उसमें तीन तरह उसको लिखते थे, तीन तरह से। तो उस ओम को अगर हम लिखते हैं तो उस ओम को पुराणों में अलग तरह से लिखा, आदि समाज वाले इसको अलग तरह से लिखते हैं। उस ओम के आधार पर ही हमारी वर्णमातृका बनाई गई है। मैं इसमें आपको एक फोटो भेजता हूँ, ये देखिए। एक मिनट में आपको फोटो भेज रहा हूँ आशुतोष जी, आप देखना उस फोटो को। आवाज आ रही है ना मेरी? ये आप इसको साम, हाँ बताइए, हाँ आवाज आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब, इसको सामने ही दिखा दीजिए, आप कैमरे के सामने। अच्छा मैं कैमरे, नहीं आप अपने कैमरे के सामने जो है ना उसको अच्छा, दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखा देता हूँ, तो मेरे पास वो फिर दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। नहीं आ रही है, ठीक है सर। तो ये इसमें देखिए, दिख रही आकृति, ये मैंने अंगूठा लगाई आकृति, ये आकृति दिख रही है? नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, नहीं
कैमरे या के तो साथ? आप उसको क्या पुस्तक है? हाँ पन्ना पेज है या इसको मैं कैसे खोलूं उसको? हाँ तो उस पेज को उठा करके, नहीं 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 पेज को उठा करके इसके सामने कैमरे के सामने ले आइए ना, जैसे आप बैठे हैं। हाँ नहीं तो फिर मैं दिख रहा हूँ ऐसे ले आइए। दिख रहा आपको? दिख रहा आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये ओम का ये वैदिक ओम है कैमरे और ये तांत्रिक ओम पौराणिक ओम है। थोड़ा बाई ओर डॉक्टर साहब करें, अपनी ओर करें। नहीं 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 हाँ और हाँ जी अब बस दिख रहा आपको? चलिए वो मुझे खैर ये दो निशान है, इससे उन्होंने कहा कि ये वर्ण मात्रिका बनी हुई है। अब इसमें वो कहते हैं कि जो क बनता है तो ये वर्ण अ क है ये ऐसे बने हुए धीरे धीरे, तो इसमें एक ऐसा सर्किल है ये मैं इसको शेयर कर दूंगा या तो आपको। तो ये उन्होंने कहा कि अ क वर्ग और इससे ऐसे बने हैं, स वर्ग ऐसे लिखा गया, ये जो टवर्ग ऐसे लिखा गया, टवर्ग ऐसे लिखा गया, उपभूत बने, ये पांच तरह से इनको वर्णमाला ऐसे बनाई गई। किसने बनाई? तो कहते कि ये वर्णमाला गणेश जी के द्वारा बनाई गई है और ये इसके बारे में उन्होंने खोज की कि जैसे हमने इसको देवनागरी स्क्रिप्ट के अनुसार है, पुराने कुछ व्याकरणकर जी ने कुछ सूत्र बताए थे कि ये सूत्र हैं जो हमें लिखे हुए मिले, इसमें कई लिपियां हैं, जैसे कश्मीर की शारदा लिपि है वो एक अलग तरह की लिपि है, नेवारी लिपि अलग है और ग्रंथ लिपि अलग है, तो कई लिपियां हैं। ये देवनागरी के अनुसार उन्होंने निर्णय किया कि ये जैसे हमारे शरीर में उच्चारण होता है और जैसे इनका कंठ स्थान जो है, कंठ के बाद में तालु है, तालु के बाद में मूर्धा है और दंत और ओष्ठ, उसी के अनुसार इन अक्षरों को बनाया गया है और इसका उन्होंने एक पूरा बताया, तो ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये उनका तरीका था कि इस तरह से हमने लिपि को लिखना शुरू किया और इसमें फिर जैसे आ के साथ में आ कैसे लिखा, तो उन्होंने एक पूरा ये पेज मैं आपको शेयर कर दूंगा लास्ट में आपको, ना तो इसमें आप विचार कर लीजिएगा। तो ये उनका वर्णमाला का लिखने का तरीका था, ये लिखना जो एक इसका भौतिक स्वरूप हुआ या इसको हम एक तरह से इसको लिखते हैं, हम जो उच्चारण कर रहे हैं, एक उच्चारण तो हम बोल के कर रहे हैं और एक जो मन में कर रहे हैं, मान लीजिए जप का उच्चारण थोड़ा अलग होगा जी, जप में मैं कैसे उच्चारण करूंगा, तो जप में जब मैं उच्चारण करूंगा तो वो परम तत्व के पास जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए इन अक्षरों का ही ध्यान करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है जिसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि वो उसको वो क्योंकि उसमें रंग नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें गंध नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य तो हो ही नहीं सकता वो, तो उसको हम देख कैसे सकते हैं, और वो संसारिक वस्तुओं के समान भी नहीं है जिससे हम तुलना कर दें कि ऐसा भगवान है। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए हमें एक शब्द ही माध्यम है और उस शब्द को हम इसलिए मंत्र कहते हैं। मंत्र इसलिए कहते हैं कि मंत्र जो है, मंत्र ये मंत्र हैं, प्रत्येक अक्षर भाषा का मंत्र हो सकता है, किसी भाषा में भी अक्षर वो मंत्र हो सकता है, पर उस मंत्र में वो दिव्यता है या नहीं है इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, उस दिव्यता का ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं? तो दिव्यता का ज्ञान हम ऐसे कर सकते हैं कि उसमें किसी ने देखा होगा तो बताएगा ना वो, तो इसलिए कहते हैं कि ऋषियो मंत्र द्रष्टार है, यास्क ने जो प्रतिज्ञा की थी कि ऋषि लोग मंत्र द्रष्टा होते हैं, जो भी मंत्र होगा उसका कोई ना कोई ऋषि होगा। इसके साथ छह चीजें आती है प्रत्येक मंत्र के साथ में कि एक उसका ऋषि होता है, अमुक ऋषि ओंकार से ब्रह्मा ऋषि, तो इसका ऋषि कौन है, इसका छंद कौन सा है, इसका देवता कौन सा है, इसकी शक्ति क्या है, इसका बीज क्या है और कीलक क्या है, ये छह चीजें कंपल्सरी होती है कि तभी हम उसको मंत्र मानते हैं। ऐसे कोई भी लिखा हुआ मंत्र नहीं होगा, उस मंत्र को उसकी दिव्यता को जिसने देखा वो उसका ऋषि होता है। अगर आप इन छओं को नहीं मानते तो मंत्र केवल कुछ भी नहीं है, वो मंत्र काम नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप इन ऋषि को, छंद को, देवता को और उसके शक्ति और बीज और किल्लत को नहीं जानते हैं तो मंत्र निरर्थक होता है, निर्वीज होता है, उसमें कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि उन सब मंत्रों को हम वो कहते हैं कि अंग न्यास विधुरा न दास्यंती फलान्यमी, कि मंत्र तभी काम करता है कि उस मंत्र को हम पहले उसके ऋषि को जाने, छंद को जाने, देवता को जाने, अगर इनको नहीं जानते हैं तो कोई चिट्ठी आप डाल दो पोस्ट ऑफिस में, एड्रेस लिखो ही मत तो कहाँ जाएगी वो। इसलिए प्रत्येक मंत्र के साथ में, प्रत्येक रहस्य के साथ में, स्तोत्र के साथ में एक ऋषि का उच्चारण होता है कि ऋषि कौन था, छंद कौन सा था, देवता कौन सा था और उसमें शक्ति क्या है, बीज क्या है और कीलक क्या है, तो तीनों में जानने पड़ते हैं और उस मंत्र के भाग में शक्ति कौन सी होती है, बीज कौन सा होता है, कील, तो पहला भाग जो मंत्र का होता है वो बीज कहलाता है और जो अंतिम भाग होता है वो शक्ति कहलाती है, बीज का भाग कीलक कहलाता है। तो इस तरह से प्रत्येक मंत्र में बीज, शक्ति और कीलक, ये छह चीज जानने पर षडंग मंत्र कहलाता है।
इसी तरह वेदों में जिस तरह हमने वेद के छह अंग बना दिए कि वेद को समझने के लिए छह अंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तस्मा संगम अधित्यव, कि वेद को अगर आपने छह अंग नहीं पढ़े तो वेद का अर्थ भी आपके लिए निरर्थक है, खाली याद करने से वेद को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। कि छह अंग को समझो, जैसे मुख है, मुख व्याकरण है, तो उसमें जो सभी छह अंग क्या कर रहे हैं, वो उसकी शब्दात्मक उसका अर्थ बता रहे हैं। व्याकरण उसका मुख है, और जब उसकी हम कहते हैं कि आंखें जो ज्योतिष है तो ज्योतिष में भी ये शब्द आ जाएगा, और कल्प जो है उसके हाथ हैं, छंद उसके पैर हैं, जिस तरह वेद के षडंग हैं ऐसे ही प्रत्येक मंत्र के छह अंग होते हैं। इस मंत्र को बिना जाने करने का कोई अर्थ नहीं रहता, वो मंत्र मंत्र ही नहीं रहता, मंत्र को जाने। इसलिए इस मंत्र के साथ में एक उस ऋषि ने इसको किस रूप में देखा। अब प्रत्येक मंत्र जैसे है हमारे पास, मान लीजिए वर्णमाला, तो हमें पता ही इतनी वर्णमाला है, कितनी तरह की वर्णमाला होगी। इस पर पंडित मधुसूदन ओझा ने बड़ा कार्य किया जयपुर में, और उन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक का नाम है पक्षास्वस्ति और एक का नाम है वर्ण समीक्षा। तो उन्होंने छह तरह की वर्णमात्रिका बताई कि छह तरह की वर्णमात्रिका ही मिलती है। इसमें जो हमारी मुख्य वर्णमात्रिका है, जो जिसको हम कहते हैं कि ये मुख्य वर्णमात्रिका, एक पाणिनि की वर्णमात्रिका अलग है, उसको माहेश्वर वर्ण समामना कहते हैं। पाणिनि की जो वर्णमात्रिका है उसके मंत्रों के अर्थ क्या है, अयुण रिलिक इनके अर्थ क्या है, तो इसके लिए नंदिकेश्वर का जो ग्रंथ है बड़ा 28 श्लोक में उसने पूरे एक एक मंत्र का अर्थ बताया कि ए का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या, ऊ का क्या, उन्होंने सबका एक अर्थ बता करके ये माना कि ये जो चतुर्दश पाणिनि के जो सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र है, इनसे पूरा संसार निकलता है। और वो जो एक श्लोक सभी लोग संस्कृत के लोग बोलते हैं, शिवसूत्र जालम नृत्यावसान नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उर्धर्तु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये जो श्लोक है ये नंदिकेश्वर काशिका का पहला श्लोक है, और उसके बाद में उन्होंने इनके अर्थ बताए कि भी इसका अर्थ क्या, अ का अर्थ, ई का क्या। अब इसमें हम जैसे देखते हैं है वर्ट, तो है जो है वो आकाश का बीज है, यह जो है वो वायु का है, र जो अग्नि का, और ल जो है वो पृथ्वी का, और वह जल का। तो ऐसे उन्होंने माना कि इसमें हायावर अल है, इसी को बीज, इसके अनुसार हमने माना कि प्रत्येक जो तत्व हैं हमारे संसार में, जैसे शैव दर्शन में, शाक्त दर्शन में, वैष्णव दर्शन में 36 तत्व मानते हैं, तो 36 वो शब्द उसके वर्ण निश्चित हैं कि ये इस वर्ण का ये अर्थ है, ये देवता है इसमें प्रधान है। 25 जो है जिसको हम कैसे लेके मत कहते हैं, कादेव मावसाना स्पर्शा, तो इन 25 वर्ण जो है उन्हीं को हम कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच जो वो प्राण है, प्राणादि वायु है। और इस तरह से उन्होंने माना कि हमने इस तरह से इनका 36 शब्दों का हमने विवेचन किया, और मान लेते हैं कि 36 तत्व जो है सांख्य शैव दर्शन के 36 तत्व वो एक एक शब्द एक एक अक्षर से वर्ण से संबंध रखते हैं। और जो परशुराम कल सूत्र में बताया कि पूरे जो प्रत्येक दिन का भी एक मंत्र होगा, प्रत्येक अक्षर होगा, प्रत्येक घड़ी का भी अक्षर होगा, प्रत्येक ऋतु का भी होगा, प्रत्येक महीने का भी होगा। तो वहाँ उन्होंने एक देवी मान की बात की कि देवी मान क्या है। देवी मान जो है उसमें उन्होंने कहा कि 18 दिन का एक पक्ष होता है, तो 36 दिन का महीना होता है, वो शाक्त दर्शन में 36 दिन का महीना माना जाता है। और उनके प्रत्येक दिन का वो जैसे कहेंगे भी आज पहला दिन है, आज शिव है, आज शक्ति है, आज इस तरह सदाशिव है, इस तरह से जो 36 तत्वों के अनुसार एक ही शब्द का एक अर्थ है। कुछ तंत्रों में 51 वर्ण माने गए, 51 वर्ण है, 51 वर्ण है और 51 ही तत्व हैं। तो उन्होंने टोटल 51 तत्वों के अनुसार जो बाम इसके कुछ जो कोलासार के ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने 51 तत्वों का अर्थ बता दिया कि ये हम इस तरह से संसार। अब इनका जो अर्थ बताया उन्होंने, इस अर्थ में जैसे ही हम मंत्र को, मंत्र से देवता के पास कैसे जाएं, देवता से परमात्मा के पास कैसे जाएं, तो पहले हम देवता के पास जाएं, देवता फिर हमें आगे लेके जाएंगे। तो देवता के लिए मैं जितने भी देवता बनाए गए, गणपति है, शिव है, ये सब एक माध्यम बनते हैं, और इस माध्यम से हम आगे जा सकते हैं कि किस देवता के माध्यम से हम कैसे जाएंगे। तो हमें पहले इसमें एक मंत्र की जरूरत होती है जो गुरु देता है, मंत्र चाहे एक अक्षर का ही हो, उस एक अक्षर में सब कुछ मानते हैं। नित्या षोड़ श्रीकारणों में एक वर्णमात्रिका स्तोत्र, सिद्ध वर्णमात्रिका स्तोत्र, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने आठ मात्रिकाएं हैं हमारी, आठ तरह की वर्णमात्रिका में आठ हम भेद करते हैं, तो इसी को ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, और इस तरह से हम इसके आठ भेद करते हैं। या इसको व्याकरण की भाषा में कहें तो कह सकते हैं अवर्ग है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, या वर्ग और सवर्ग। तो ये इस तरह से आठ वर्ण, इनमें 51 अक्षर कुल आते हैं। ये स्कंद की वर्णमात्रिका है, और इस स्कंद की वर्णमात्रिका में जो 51 अक्षर आए, इनके अनुसार उन्होंने कहा कि ये
जैसे पूरे भारत में 51 पीठ माने हैं इसी के ऊपर, प्रत्येक पीठ का एक वर्ण है। भारत में कितने पीठ हैं, तो वो कहते हैं कि पीठ रूपणी, उस स्तोत्र में वो कहते हैं नित्यासोड़ कारणों का पहला मंत्र है या पहला स्तोत्र है, उसका पहला श्लोक है, तो वो कहते हैं कि पूरे गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवीम मंत्र महिम नोमीम मातृका पीठ रूपिणी, कि मातृका शक्ति है, इसका पीठ है, छठा दोष इसका पीठ है, पहला गणेश। तो कोई भी विद्या होगी वो गणपति से शुरू होगी। गणपति के ऊपर अथर्वशीर्ष है, 5 अथर्वशीर्ष वेदों में मिलते हैं, तो गणपति अथर्वशीर्ष में वो कहते हैं कि गाय जो है वो इसका बीज मंत्र है, उस गाय में ही उसको कहते हैं इसमें नाद है, उसमें अंत है, और उन्होंने गाय को कहा कि एकाक्षर बीज है। अगर आपने गाय को नहीं पढ़ा तो आपकी गति नहीं होगी, आपको गणेश जी नहीं मिलेंगे और आपको ये दिव्य ज्ञान मिलने का चांस नहीं है। तो सबसे पहले हम गाय की से शुरू करते हैं कि अथर्वशीर्ष में जो देवी अथर्व गणपति अथर्वशीर्ष है उसमें गकार को माना है कि गकार जो है उसका बीज है, और गकार को कि ये समुच्चा जो तत्व है वो वेदों में इसे ब्रह्मणस्पति कहा, और उन्होंने माना कि यही ब्रह्म है, क्योंकि गणेश का अर्थ क्या है कि जो 5 महाभूत और 3 वो गण यानी 8ों का जो ईश्वर है। तो जब हम ये जो लिखना विद्या हुई इसके अधिष्ठाता गणपति को मानते हैं, और गणेश जी ने 5ों 8ों तत्व के मालिक गणेश जी हैं, इसलिए उसमें कहा तुम ब्रह्म तुम विष्णु तुम रुद्र तुम, तो वो कहते सब कुछ तू ही है। गणपति इसी बात को बता रहा है कि आप गय को समझ लीजिए तो आपको कुछ अर्थ समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप भाषा की ओर चल पड़े हैं, और गय से गति होगी तो पहला जो है गय है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम साधना करेंगे तो साधना में पहले में गणेश से शुरू करना पड़ता है, और गणेश हर साधना में अनिवार्य है। जैसे हम षट चक्र में जाते हैं, मान लीजिए षट चक्र करेंगे तो मूलाधार में कौन देवता है, तो गणपति देवता, तो गणपति जो है समुच्चय 8ों तत्व उसमें आ जाते हैं, और सबसे पहले मूलाधार में हम कहते हैं कि मूलाधार में गणपति का आवास है, और हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, हमारा ऊपर से नीचे नहीं आते, हम संसार तक जाना चाहते हैं, तो फिर हम गणपति में जाएंगे, वहाँ 4 अक्षर है वैसा, तो वो 4ों अक्षरों से हम चलेंगे तो वहाँ गणपति देवता और पृथ्वी तत्व है। वहाँ से अब ये पृथ्वी तत्व है और गणपति देवता, एक आश्चर्य लगेगा कि वहाँ तो मल स्थान है, मल और मूत्र के बीच में क्या गणपति होते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारी दिव्य दृष्टि है, हम शरीर को एक दूसरा शरीर मानते हैं, ये भौतिक शरीर नहीं मान रहे हैं कि वो पेशाब का और मूत्र का शरीर नहीं मानते, उसमें हम एक दिव्य शरीर बनाते हैं, और दिव्य शरीर हमें जब भी मिलेगा जब हम मंत्र को शुरू करेंगे। गुरु जो हमें मंत्र देता है वो चैतन्य मंत्र होता है, और उससे हमारी साधना शुरू होती है। सबसे पहले हम गणपति को स्थापित करते हैं, और जो हमारे प्रत्येक दिन के स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य उसको समर्पित करते हैं 600। तो पहले गणपति आता है, गणपति के बाद में वो कहते हैं ऊपर जो मूत्र स्थान है उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, उसमें 6 अक्षर हैं। तो ये अक्षर क्यों बताए जा रहे हैं कि उसमें 4 पत्ते हैं, इसमें 6 पत्ते हैं, और इस तरह से हम चलेंगे तो हम पत्तों के साथ में देवता पर एक एक देवता बताया जा रहा है, एक बताया जा रहा है, इसका मतलब इनका हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, और एक संबंध स्थापित करते हैं। तो चार वर्ण मूलाधार में भी 6 वर्ण पर आए, 6 से हम आगे 10 वर्णों पर आ गए, कि आगे 10 वर्ण जो है वो मणिपुर में, और 12 वर्ण जो है वो हृदय में है, हृदय चक्र, और एक तरह से हम पृथ्वी से आए पृथ्वी तत्व से ऊपर आए तो हमें जल, और जल से ऊपर आए तो अग्नि। तो अहम बेस्वान रोभुत्वा प्राणी नाम प्राणमासित देही नाम देहमासितम, तो भगवान कह रहे कि मैं अग्नि के रूप में विश्वामित्र के रूप में आपके नाभि में रहता हूँ। तो अब नाभि में भगवान विष्णु रहते हैं, गीता में कह रहे हैं, तो इस प्रमाण से हम प्रमाणित होते हैं कि अग्नि तत्व जो है वो जठराग्नि जिसे हम कह रहे हैं, जहाँ हमारा खाना पत्ता तो वो अग्नि है। तो हम इन सबको क्या मान रहे हैं, हम इसको विष्णु का रूप मान रहे हैं। हृदय में आएंगे तो हृदय में वो कहते हैं कि हृदय में सदाशिव रहते हैं, और सदाशिव जो रहते हैं वहाँ 12 वर्ण है, उसे सूर्य कहा गया, वहीं हमारी सूर्य है, और सूर्य तत्व जो है वो इस तरह से कुंडलनी, कितनी कुंडलनी है, तो कहते हैं कुंडलियों के हर चक्र में अलग कुंडलनी होती है, हर चक्र में अलग कुंडलनी होती है। जो सादा तिलक लिखा, सादा तिलक के अंत में एक कुंडलनी स्तुति मिलती है, कुंडलनी स्तुति जो है वो समापन में लक्ष्मण देशिकेंद्र उत्पल देव के गुरु थे, और वो कहते हैं कि जो उसमें शक्तियाँ हैं तो वो कहते हैं वर्णई रणव षट दिशा रविकला चक्षुर विभक्त ही क्रमात् शांत राधिराबितान छयुत षट चक्र मध्यानिमान डाकिन्यादिराशितान परिचितान ब्रह्मादि देवत। तो उनका कहना है कि हमारे शरीर में हम 4 वर्ण 6 वर्ण, और हृदय में आए 12 वर्ण, और कंठ में आए तो विशुद्धि चक्र में 16 वर्ण आते हैं, और ऊपर जब अज्ञात चक्र में आते हैं तो 3 वर्ण है, अक्षर है, और बीच में एक अक्षर अड़ा और है, ये जो अड़ा है वो कहते हैं 3रा वर्ण और है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि संसार है। संसार में ये माना है कि जो आपने जो एक चक्र दिखाया था इसमें
है कि जिसमें उल्टी वर्ण मात्रिका भी है, तो उसमें कहते हैं कि जो सहस्रार कमल बनता है उस कमल में ऐसे लेकर के ख तक, ऐसे ले छह तक 52 वर्ण होते हैं क्रम से, तो क्रम से वो चलेंगे आपके सिर के, तो 52 ऐसे जाएंगे फिर 52 वापस आएंगे, तो ऐसे करके 10 चक्कर होंगे, टोटल 20 बार घूमेंगे तो 1000 वर्ण होंगे। तो 1000 वर्ण का ये कमल जो है उसको सहस्रार कमल कहते हैं। अब वो सहस्रार कमल जो है, इसमें ये सहस्रार कमल है इसमें 10 बार होता है राउंड, मतलब एक बार सीधा एक बार उल्टा, तो टोटल हम इसमें 1000 वर्ण मानते हैं कि 1000 वर्ण है। तो परमात्मा जो है वो इतना सेलेक्ट है, हमारे पास तो केवल 51 वर्ण है, उसमें 1000 वर्ण होते हैं कम से कम, तो उसका बैठने का आसन बनता है। सहस्रार तक हम पहुँचते हैं तो वो हमें फिर वो वहाँ देखना पड़ता है, उसके पहले नहीं देखेगा। तो हम जब तक मूलाधार हम 4 वर्ण 6 वर्ण 12 वर्ण और इन वर्णों को जब देखते जाएंगे, इसके साथ में हमें हमारे शरीर में जो 7 शक्तियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 7 तरह के धातु मानते हैं आयुर्वेद में, 7 तरह की धातुएं होती है, उनकी एक एक शक्ति होती है। तो कहते हैं कि इनमें भी एक शक्तियाँ होती है, इसको हाकिनी याकिनी राकिनी लाकिनी और ये सब योग में बताया गया, तो उनकी सबकी एक शक्ति होती है। पहले जो शक्ति है वो एक मुखी है, फिर 2 मुखी, फिर 3 मुखी, फिर 4 मुखी, फिर 6 मुखी, तो ऐसे शक्तियाँ होती है। और सहस्रार में 1000 मुख होते हैं। पुरुष सूक्त में जब कहते हैं कि सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपाद के हजारों सिर हैं, तो सहस्रार जब वो हजारों सिर और परम पुरुष का प्रतिपादन करता है कि हजारों उसमें सिर हैं और वो हजारों वर्ण के माध्यम से उनका इस सबके चारों तरफ के मुख हैं, तो सहस्रार चक्र आता है। सहस्रार चक्र के बाद में बिंदु चक्र के ऊपर में ये जो 10 अवस्थाएँ आपने बताई थी उन्मनी और वो अवस्थाएं उसी के ऊपर आती हैं, नाद से बिंदु तक की, वो वहाँ आकर के उन अवस्थाओं पर हम धीरे धीरे पहुँच सकते हैं। हम पहुँच कब सकते हैं तो, और कैसे पहुँच सकते हैं, तो पहुँचने के लिए इसमें मंत्र ही हमारा एक साधन बनता है, वर्ण ही साधन बनेगा। हम इन 50 वर्णों को कहते हैं कि ये 50 वर्ण की जो वर्ण मात्रिका है इसको कहते हैं ये सर्वज्ञता करी विद्या है। अगर आपने मात्रिका सिद्ध कर ली, एक मात्रिका क्या पूरी मात्रिका अगर कर ली तो आप सर्वज्ञ हो गए, आप साक्षात महेश्वर हो जाएंगे अगर आपने इन 52 वर्णों को सिद्ध कर लिया है तो। और इन 52 वर्णों का जो रूप है ये पूरा संसार का प्रपंच है और समूची दुनिया इसी से बनती है। तो 52 वर्ण के, तो अब मैं जो आप बात कर रहा था कि गणेश है, ग्रह नक्षत्र है, योगिनी राशि रूपिणी, ये पहला जो लोग नित्याषोडशीकारणों का पहला वो श्लोक है, तो गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी, तो इसमें 6 चीज़ें बताई, इसको षोडान्यास कहते हैं। गणेश पला हुआ, इसमें गणेश के 51 तरह के गणेश हमें शरीर में वर्ण मात्रिका से 51 तरह के गणेश को स्थापित करते हैं। ग्रह में 9 ग्रह को स्थापित करते हैं, तो उनमें वही मात्रिका वर्णों को उन्होंने बांट दिया गया है। तो गणेश है ग्रह नक्षत्र में 27 नक्षत्रों में से बांट दिया गया है। और योगिनी, तो योगिनी जो है वो 7 तरह की होती है, और हाकिनी राकिनी योगिनी, तो उनको उन्होंने इनको एक शक्ति माना है कि जो हमारे त्वचा की शक्ति क्या है, हमारे मांस की शक्ति क्या है, हमारे रक्त की, मज्जा की, और लास्ट में वीर्य की शक्ति है। तो 7 जो तत्व हैं, उन 7 तत्वों की शक्ति है, उन 7 शक्तियों को हम इन 7 चक्रों में हम बांटते हैं, तो वो योगिनी कहलाती है। योगिनी फिर राशि, 12 राशियां हैं, और फिर वो कहते हैं पीठ। पीठ क्या है, तो पीठ उन शक्ति का, उस दिव्य शक्ति का एक स्थान होता है, उसे हम पीठ कहते हैं। पीठ जो है हमारे, जैसे अब आप 52 अगर वर्ण मात्रिका 52 है, तो 52 उसके पीठ प्राप्त होते हैं, और उनकी सूची देवी भागवत में दी गई है कि ये 52 पीठ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं। गीता प्रेस ने भी इसका एक अभी छाप दिया है कि 52 पीठ कहाँ पर हैं, उनमें प्रत्येक का एक वर्ण है, एक उनका देवता है, एक उनका उनकी एक देवी है, इसमें भैरव है, भैरवी है, तो इसमें 4 महापीठ मानते हैं। उसमें लास्ट में इस स्त्रोत्र में कहा कि इस स्त्रोत्र में कहते हैं कि अगर आपने एक अक्षर भी सिद्ध कर लिया, यदक्षर एक मात्रे भी संसिद्धे स्पर्तेन्द्र रवि तार्चंद कंदर पर शंकरानल विष्णु भी, अगर आपने एक अक्षर को सिद्ध कर लिया, एक वर्ण को सिद्ध कर लिया, तो आप ब्रह्मा विष्णु शिव ये आपके सामने, इनसे आप टक्कर दे सकते हो। ये दक्षरे के मात्रे भी संसिद्धे स्पर्धतेनर, वो ब्रह्मा विष्णु शिव को चैलेंज कर सकता है। ये दक्षरे के मात्रे भी संसिद्धे स्पर्धतेनर रवि तार्चंद, सूर्य भी इसके सामने कुछ नहीं है, रवि गरुड़ भी कुछ नहीं है, इंद्र भी नहीं है, रवि तार्चंद कंदर पर शंकर अनल विष्णु भी, शंकर अनल विष्णु, ये सब तो उस शक्ति के एक रूप है, उस शक्ति के अधीन काम करते हैं। जितने भी देवता हैं वो मंत्र के अनुसार जब कहते हैं मंत्राधीनम देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, तो ये सब उस शब्द शक्ति का विलास होता है, उस विलास के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदि बनते हैं, ये सब उस एक पराशक्ति की है। अब जो आपने श्री सूक्त इसमें रखा, तो श्री सूक्त श्रीयंत्र जो दिखाया आपने, श्रीयंत्र में क्या होता है कि श्रीयंत्र का हम विभेद करते हैं कि श्रीयंत्र जो वो
पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है और उसमें मध्य में बिंदु होता है, तो बिंदु जो है वो पराशक्ति का प्रतीक होता है, बिंदु में कोई रूप नहीं होता इसलिए उसे पराशक्ति का रूप मानते हैं। और उस बिंदु के साथ में तीन शक्तियां होती है, त्रिगुण त्रिकोण होता है, तो उसे हम कहते हैं वो ज्ञान क्रिया और इच्छा होती है। कुछ चीजें श्रीयंत्र में चित्र में नहीं आती, बहुत चीजें दिखाई नहीं जाती क्योंकि उसमें 16 कलाएं होती है, वो दिखाई नहीं जाती। तो 16 कलाएं होती है और 16 कलाएं इसलिए नहीं दिखाई जाती कि चंद्रमा जो है उसमें 16 कलाएं होती है। चंद्र तत्व को हमने माना कि चंद्र जो है वो अमृत का प्रतीक है, चंद्रमा जो होता है वो अमर होता है। चंद्रमा अमर क्यों होता है, तो वो कहते हैं कि भास्कर अपने कहते हैं सिद्धांत श्रोवण में विधुर दो भागे पितरो बसन, वो कहते हैं ये पीयू से पिंड है, चंद्रमा का नाम है ये अमृत का पिंड है। तो चंद्रमा को अमृत मानते हैं, सूर्य को हम ये मानते हैं कि सूर्य में आधा मृत और आधा अमृत है। जो वेद का मंत्र है आकृष्ण रसा वर्तमान निवेश यन्न मितन मितन, तो वो कहते हैं इसमें मृत्यु भाग भी है अमृत भाग भी है, सूर्य का ऊपरी भाग अमृत है नीचे का भाग अमृत है, तो वो मृत अमृत है। और हम जो इस अग्निलोक में रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं इसको अग्नि कहा गया। ये तीन तत्व हैं अग्नि सूर्य और सोम, इसे मनुस्मृति में वो कहते हैं कि इसी तीन ब्रह्म होते हैं। वो कहते हैं अग्नि वायु रवि वस्तु, अग्नि वायु रवि वस्तु प्रेम ब्रह्म सनातनम, और इसी को ऋग यजु साम कहते हैं। वो कहते हैं ये तीन ब्रह्म है, मनुस्मृति मनु कहते हैं अग्नि वायु रवि वस्तु प्रेम ब्रह्म सनातनम, ये तीन ब्रह्म है हमारे सनातन ब्रह्म है। और इसमें मतलब अग्नि मिले से अग्नि आता है, और वो कहते हैं कि इखे तोड़ देता दूसरा मंत्र है उसमें ई आती है और ई को मिला के हम ए बनाते हैं। और उस फिर तीसरा जो मंत्र सामवेद का पहला मंत्र है उसमें भी ऐ है, और अग्न 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 आया ही बीते, तो उसमें तीनों उस ऐ को हम उसके साथ में इसको जोड़ते हैं तो ऐ बनता है। तो ये ऐ जो है ये सरस्वती का वाक का बीज मंत्र है, पहला जो बीज मंत्र है वाक का बीज मंत्र वो तीनों वेद के प्रथम अक्षर से बनता है। जब इसमें हम अनुस्वार लगा सकते हैं तो वो बीज मंत्र बनता है, या उसमें हम अनुस्वार लगा सकते हैं विसर्ग लगा सकते हैं। तो इस तरह से उनका कि बीज मंत्र जो बनेगा वो तीनों वेदों का सार जो है वो जो वाक बीज में है। तो ऐसे इस बीजों के बारे में अथर्वशीर्ष देवी अथर्वशीर्ष ने उन्होंने समझाया, उन्होंने तीन मंत्रों का वहाँ अर्थ बताया। और उन्होंने कहा कि एक तो जो है माया बीज है, और दूसरे जो बीज हैं उन्होंने कहा कि ये बीज हैं एक पंचदशी को भी उन्होंने बताया, और एक नवारण मंत्र को बताया कि नवारण मंत्र का व्याख्या उन्होंने की, पर उन्होंने ऐसे शब्दों में की अक्षरों में की कि आप समझ नहीं सकते। वो कहते हैं कामो योनि कमला बद्रपाणी गुहासा मातर हसमिंद्र के कामो, कामो का अर्थ क्या हो लगता है, अब क्या का अर्थ काम, कामो योनि, योनि का अर्थ है सरस्वती का बीज मंत्र है, तो कामो योनि कमला, अब कमला का अर्थ क्या है। तो ऐसे उन्होंने उनका इस संकेतिक भाषा में रखा कि ये जो मंत्र की विद्या है ये परा विद्या है और बाकी सब विद्याएं अपरा विद्या कहलाती है, इसलिए इस अपरा विद्या है इसका प्रकाश नहीं होना चाहिए इसलिए इसको गोपनीय रखा जाता है। और कूट शब्दों में बताया गया, जितने भी मंत्र लिखे गए तो मंत्रोधारा आप किसी भी तंत्र के ग्रंथ में देखेंगे तो बताते नहीं है मंत्र क्या है, कुछ शब्द बताते हैं इससे आप समझ लेना क्या मंत्र, लिखते भी नहीं इसको मंत्र को, न तो बोलते हैं न लिखते हैं न उच्चारण करते हैं। बीज मंत्र का उच्चारण एकदम वर्जित है कि आप बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, उसका अर्थ भी नहीं बताएंगे, अर्थ इसके कितने होंगे। तो इस पर जो संक्षिप्त में मेरी बात खत्म कर दूँ, काफ़ी समय हो गया। तो इस पर आर्थर एवलो ने किताब निकाली थी, तो वो उन्होंने निकाली थी कि किस वर्ण का क्या अर्थ है, पहले तो बताइए कि किस वर्ण का अर्थ क्या, तो बहुत से अर्थ मिलते हैं एक एक वर्ण के, बहुत से लोगों ने अर्थ किए। तो उन्होंने करीब ये जो किताब थी कि उन्होंने उनकी जो किताब थी उसको नाम था तंत्राभिधानम, तो तंत्राभिधानम पुस्तक पंचानंद तर्कतीर्थ ने इसको कलकत्ते से एडिट की थी, और ये संबत 1994 में एडिट की थी। तो इन्होंने उस समय जितने भी इनको मिला कि मंत्रों के क्या अर्थ हो सकते हैं, तो उसमें एक तो किताब थी तंत्राभिधान, एक मंत्राभिधान, एक बीज निघंटू, एक मातृका निघंटू, एक वर्ण निघंटू, एक बीजाभिधान, एक मंत्राभिधान, एक मुद्दा निघंटू, एक वर्ण बीज कोश। इस तरह से उन्होंने बताया कि इनके एक एक शब्द के कितने कितने अर्थ हैं, और वो शास्त्रों में लिखे मिले, हम नहीं बता रहे हैं ये शास्त्र बता रहे हैं हम क्या करें, एक बीज मंत्र के कितने अर्थ होंगे। तो उन्होंने बीज कोश नाम से इसके बाद में एक डिटेल बनाई कि इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, खाली एक एक अर्थ नहीं है। तो एक ये बड़ा काम हुआ। दूसरा जो काम था जयपुर में पंडित सरयू प्रसाद द्विवेदी ने एक वर्ण बीज को छापा कि इसके मंत्रों के क्या एक एक अक्षर के कितने नाम हो सकते हैं, अब इनके रूप कितने हैं। इस मंत्र का आपका एक प्रश्न था कि मंत्रों का रूप क्या है, इसके ऊपर एक जो पुस्तक है वो जो पुस्तक मातृकापीठ नाम से एक पुस्तक जो है वो कांचीपीठ से प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने उनके सबके अर्थ बताए कि भाई इस वर्ण का रूप कैसा है। और रूप में भी समस्या ये है कि कई लोगों ने अलग अलग रूप बता दिया, वैष्णव लोग कुछ और बता रहे हैं, शैव कुछ और बता रहे हैं,
और साक्त लोग उसका कुछ रूप और बता रहे हैं। तो उस रूप को मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इसमें जो रूप है उनके तो जैसे उन्होंने दिखाया कि ये राधा कृष्ण शास्त्री इसको एडिट की थी किताब को कि इन मातृकाओं का रूप क्या है और उसके नाम भी क्या है। कोई इसको जैसे अ है मान लीजिए तो कुछ लोग अ को अमृता बोलते हैं, कुछ लोग अजामुखी बोलते हैं, कुछ उसको क्या बोलेंगे। तो हर ग्रंथ में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं और इसका जो रूप है इस तरह का रूप है, ये अवर्ण का रूप है। फोटो बनाई हुई इसमें तो ये आपको अगर दिख रही है क्या? नहीं स्पष्ट नहीं है लेकिन आप तो उसको भेज देंगे तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने अभी दिखाई है, दिख रही है अभी, ये आ का रूप है। ऐसे वो कहेंगे ये आ का रूप है। जी जी, इस तरह से 52 के इनके रूप बताए इन्होंने और उनके नाम भी कई कई नाम है। मतलब वैष्णव तंत्र में पंचरात्रों में उसके नाम अलग हैं, सेवागम में उसके नाम अलग हैं, शाक्तागम में अलग हैं। तो इस तरह से ये जो प्रत्येक मंत्र का जो काम, इस पर क्या काम अभी हुआ है, कम है। अभी आपने आज तो दिन शुरू किया है तो इस काम को अभी तो मतलब इसका केवल पुस्तकों में है, ये मतलब लोगों के पास इसकी जानकारी अभी नहीं है और कठिन है मतलब काम। तो इसमें प्रत्येक वर्ण का अगर आप सूची बनाएंगे कि ऐ के कितने अर्थ हैं तो बहुत से अर्थ निकलेंगे। उनके अर्थ इसलिए इसको दिव्यार्थ कहते हैं और वो अर्थ इसलिए माना जाता है क्योंकि वो किसी ने किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब ग्रंथ में लिखा हुआ है और उसके गुरु ने अपनी परंपरा से प्राप्त किया है तो उसमें परंपरा का महत्व होता है। श्री विद्यारण्य ग्रंथ में उन्होंने प्रत्येक ग्रंथ के प्रत्येक मंत्र के साथ में उनकी गुरु परंपरा का उल्लेख किया कि भाई इस मंत्र की परंपरा क्या है, ये किस गुरु से चलता हुआ आ रहा है। तो जब गीता में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अभ्यम कि मैंने इसको विवस्वते को बताया था, मैंने सूर्य को बताया, उसने उसको बताया, तो इन प्रत्येक मंत्र की एक परंपरा चलती रहती है। शैव परंपरा, शाक्त परंपरा, नारद पंचरात्र की परंपरा, उस परंपरा में उनकी सबकी सूची दी हुई है कि कितने गुरु हुए हैं। शंकर संप्रदाय के गुरु कितने हुए, वैष्णव के गुरु कितने हुए। तो विद्यारण्य लास्ट में लिखते हैं संप्रदाय नान्योस्ति लोके शंकरात भई, कि शंकर का संप्रदाय जो है वो शंकर संप्रदाय अनविच्छिन्न चल रहा है। गौड़पाद हुए उसके पहले ये उसके उन्हें एक सूची दी है 100-150 आदमियों की, ये हमारे संप्रदाय की सूची है। बाद में बहुत से लोगों ने इस पर काम किया कि भक्तिमाल लिखा उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की सूची दी, तो लोगों ने कबीर संप्रदाय ने समझे अपने सूचियाँ निकाली कि इनकी गुरु परंपरा होती है और ये गुरु परंपरा का जो मंत्र वही काम करता है। बाकी ऐसे कोई भी पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र या एक चित्र वो केवल भौतिक स्वरूप होता है क्योंकि इसमें प्राण नहीं है, उसमें प्राण या जीवन नहीं है, उसमें आत्म तत्व नहीं है। इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ बातें रख पाया हूँ और मैं मेरा समय हो चुका है इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूँगा। आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं और इस कार्य के लिए मुझे आशुतोष जी ने चुना और मैंने जो मेरी शक्ति के अनुसार बताया उस सब के लिए मैं उनको आशुतोष जी को धन्यवाद देता हूँ और एक नई चर्चा और एक नया पक्ष आपने रखने का मौका दिया, इसके लिए सबका धन्यवाद। जितने भी यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरे को, रवि जी सुन रहे हैं, घनश्याम जी सुन रहे हैं, सुषमा जी सुन रहे हैं, तो बहुत से लोग बड़े बड़े भारत के दिग्गज लोग सुन रहे हैं, जो मेरा सौभाग्य है। और मैं इसी करके ये मांग करके जो ये सब भगवती स्तुति के साथ में इसमें विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और जितने विस्तार से आपने विषय के बारे में बताया, सारे लेक्चर को एक बार मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा और दोबारा से उसे समझना भी पड़ेगा और कई सूचनाओं को मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा और तब जाकर के मैं मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा हम जो है उसको ठोस बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान बहुत व्यापक रूप में है लेकिन हम लोग उतना ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसको दोबारा से मुझे सुन करके उसको इस सारे को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है कि उसको हमें दोबारा से उन विषयों को एक एक भारद्वाज जी को
जी सर, थैंक यू कि वो अपने हमारे साथ टिप्पणी इस सारे विषय के ऊपर साझा करें। उसके बाद डॉक्टर रवि जी और फिर हमारे साथ और भी जो लोग जुड़े हुए हैं। जी सर, योर रिस्पॉन्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बयान किया है डॉक्टर चांद जी। जी 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 मैं बोल रहा हूँ जी, कैन यू हियर मी सर? जी जी, कैन यू हियर मी? यस यस, लाउड क्लियर सर। ओके, यस यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट, यू नो, जैसे इन्होंने नाद और बिंदु को लेके आगे सब कार्य किया है, तो मैं कहूंगा कि मॉडर्न साइंस में इसको पार्टिकल एंड वेव बोलेंगे, क्योंकि नाद इज अ वेव, दैट इज व्हाट इज द साउंड, एंड बिंदु इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। सो इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दिस कि किस प्रकार शब्द ने ही सब कुछ किया है और किस प्रकार इसकी आकृतियां, इसका दिव्य अर्थ क्या है और ध्वनियां कैसे निकलेंगी, इन सब विषयों पर बहुत सुंदर कार्य किया है। और मैं चाहूंगा कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं लाइक चाइनीज एंड जैपनीज, इसमें वो शेप्स वगैरह भी बनाते हैं सिर्फ नैरेटिव पार्ट सारी दुनिया के लिए। जैसे मैंने शुतोष जी से बोला कि यंग बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें और उनको मोटिवेट करें जाती जगह, ताकि वो लोग इसमें रिसर्च कार्य करके और इसको एक कंपैरेटिव पार्ट बना के सारी दुनिया के सामने में रखें कि भाई हमारे यहाँ ये विधि है। और अब तो साइंस ने भी कमाल कर दिया, अब ये बता दिया कि ध्वनि के द्वारा ही इंटरनल ऑर्गन्स भी बनते हैं। अभी एक हीली करके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ नीदरलैंड्स में, और एक नेक्सी करके उन्होंने बनाया है। ये दोनों इक्विपमेंट्स उन्होंने फ्रीक्वेंसीज स्टोर की हैं ऑन अ सर्वर, और एक कंप्यूटर के माध्यम से और एक डिवाइस के माध्यम से टेलीफोन के द्वारा वो आपके शरीर में वो फ्रीक्वेंसीज प्रसारित होने लगती हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज से हट के कुछ विषय हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी विषयों को उसी ढंग से अगर हम लोग ले लें और आने वाली पीढ़ी के लिए उन बच्चों को मोटिवेट करें, और इसमें जो उनको गाइडेंस करने के लिए विषय है उनको मोटिवेट करने का विषय है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग सब साथ में आए और राजेंद्र जी उस विषय को बहुत अच्छे से टेकअप करके और बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि वो एक एक विषय पर अपने अपने रिसर्च पेपर्स को काम करना शुरू करें, और जो हमारे पास में एस्पेक्ट से हम उसको बयान करेंगे। अभी जैसे सिखिज्म जो है वो प्योरली सुरत शब्द योग पर ही आधारित है, और वो शब्द के द्वारा किस प्रकार आप अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन तो पास्ट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देता रहता है। अगर हम उस शब्द से जुड़ जाए और मन उस मंत्र का उच्चारण करता रहे, मन मन में, जबान से नहीं, शरीर से नहीं, और तब आप अगर उस शब्द से जुड़ते हैं तो आप परापशंति मध्यमा वैखरी का जो मैंने एक दफा जिक्र किया था, तो भाषा भी वहीं से उतरती है। तो हम अपने स्थूल से, सूक्ष्म से होते हुए, कारण से होते हुए, ब्रह्मांडी मन से होते हुए, ब्रह्मांड का जो कोर है उस जगह हम पहुंच सकते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और ये सब चीजें बहुत ही दिव्य तरीके से उन्होंने बयान की हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ये सुन मैं कोशिश करूंगा इसको ध्यान में रखें और आगे की ओर अगर हम कर सकें इस विषय पे और अधिक काम तो जरूर करेंगे, प्रयास जरूर रहेगा। डॉक्टर रवि शर्मा जी नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र प्रसाद जी का कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप से भी जोड़ा है, और उनका प्रेजेंटेशन भी आज मुझे सुनने का मौका मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको भी धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आपने सरस्वती वाले व्याख्यान के पहले जो एंटेना पर एक व्याख्यान कराया था, जिसमें एक मिलिट्री के कर्नल साहब
बोल रहे थे जिन्होंने एक एंटेना डेवलप किया, वो भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ज्ञान भारद्वाज जी को उसकी कॉपी आप जरूर भेजना। तो मैं अब अपना एक मिनट का, जो दो मिनट का मैंने रिकॉर्डिंग किया आज के विषय में, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। The scientist's point of view, the Sat Brahma or dark matter manifested itself in terms of Rita or quantum field, and the quantum field is where we first experienced what we normally describe as the sound Om. Thereafter, the Kshiras in which Rudra and Vishnu forms took place, and in the center around Vishnu, three areas were formed, and in these three areas the three sounds Jagati, Trishtup and Gayatri, these are the three sounds inside the nucleus and outside the nucleus, starting with electrons, that is in the atomic space there is permanency of electron and there are vibrations there, and then we start expressing outside the matter what we call walk or the Saraswati Prakriya discussed last time. And from this walk, the resonance started as two step, four step, and then seven step Vani. Seven steps are Sare Gama Padhani and repeat again Sa. So this is how the sound system started. I am Dr. Ravi Sharma. I am studying Vedic particle physics. And today, I want to ask the subsequent questions. How did this walk, which is described in Rig Yaju Sama Vedas, became confined to rules of earlier grammars, pre-Vedic grammars, Vedic grammars, and ultimately what we know as Panini's modern Vyakaran? So what were the processes by which swaras and vyanjanas got developed? I hope you will kindly discuss today, or you would have covered today. And I'm interested in Maheshwar Suktas, how these get connected, and also Ashtadhyayi. So thank you for listening. Please go ahead and finish your deliberations. I will also ask questions. I'm done. थैंक यू। बड़ा थैंक यू सर, बड़ा मजेदार सवाल है और बड़ा टेक्निकल और बहुत मजेदार सवाल है। वाकई मैं उसकी प्रशंसा करता देना, लेकिन लेकिन वाकई गंभीर प्रश्न है और हम विद्वानों को जो है इसका उत्तर देखना चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से देखते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पांस आता है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी टिप्पणियां ले लेते हैं। डॉक्टर शेषनाथ जी एंड देन फॉलोड बाय डॉक्टर रवि मधुसूदन जी। शेषनाथ जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अभी नहीं है तो रवि जी आप तब तक अपनी बात हमारे साथ साझा कर लीजिए। जी नमस्कार सर, मैं भी छात्र हूँ पटना विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग का। तो मेरी पीजी हो गई है, अभी पीएचडी के लिए आगे भी इनरोल करने वाले हैं। और ये जो सर अभी सेशन के लिए मुझे डॉक्टर कामदेव झा जी सर ने लिंक मुझे भेजा था, तो अब इस लायक हूँ मैं या नहीं हूँ अब वो जाने इसके लिए, लेकिन धन्यवाद। और सर इसमें ही बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये जो अक्षरों की ज्ञान है, ये सर डायरेक्टली आपने अभी सर बोला कि एक अक्षर को आप पकड़ लेने से सब कुछ आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे किसी भी बीज मंत्रों की, तो सर वो एक्टिवेट डायरेक्टली आजकल देखा जाए जिस समय जिस काल में अभी हम लोग हैं वहां क्या ऐसे डायरेक्टली बिना अचैतन्य या कहें तो जड़ भी चैतन्य नहीं है वो मंत्र या वो बीज मंत्र या बीज शब्द जो है या अक्षर वो चैतन्य नहीं है, तब कैसे उस चीज को पकड़ा जाए और उससे उससे काम निकाला जाए या उसकी सिद्धि की जाए सर, क्योंकि बिना गुरु प्रदत्त किसी भी अक्षर जी, जी, जी।
जी सर, बिना गुरु प्रदत्त जो है, क्योंकि अभी सर आपने ही बताया कि वो चैतन्य तब जब होगी जब गुरु प्रदत्त होगी, बिना गुरु प्रदत्त वो किसी भी आप लेख अथवा पुस्तक से ले लेते हैं, वो वैसी काम नहीं करेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की आवश्यकता होगी। कि शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कि जिसे आप अक्षर कह रहे हैं या वर्ण कह रहे हैं कि अगर वो जड़ है और गुरु मुख से अगर आपको प्राप्त होता है तो वो चैतन्य होकर के कैसे हमारे कार्यों की सिद्धि करेगा। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन हम संस्कृतज्ञों की ना कुछ पकड़ लेते हैं कि उनका हम विस्तार ही नहीं होने देते। अक्षर जो अपने आप में ही है वो कोई जड़ता का प्रतीक नहीं है, वो अक्षर बहुत व्यापक अर्थ को देने वाला है। लेकिन चलिए उसको राजेंद्र जी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक और अभी हम हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा जी शायद कुछ कहना चाह रही थी और सत्संग अपने को। नमस्कार जी, मैं नमस्कार राजेंद्र शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ और उनका अभिनंदन करते हुए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे देवनागरी लिपि में जो वर्ण का आकार बनता है, क्या उसका अक्षर से संबंध है और है तो किस प्रकार? आपका प्रश्न है कि देवनागरी वर्णों के जो है वो उसकी आकृति को लेकर के आपका प्रश्न है। आप दोबारा अपना प्रश्न स्पष्ट करेंगे मैम? मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप हम समझे कि वर्ण तो वर्ण शरीर है और शब्द और अक्षर आत्मा, तो वो जो वर्ण मतलब किसी भी वर्ण का शरीर लिखा जाता है कि अ इस तरह लिखा जाएगा, क इस तरह लिखा जाएगा, तो उसका संबंध क्या अक्षर से है? वर्ण की आकृति, वर्ण के स्वरूप का संबंध अक्षर से किस प्रकार है? चलिए ठीक है, हालांकि अक्षर जो है जो नष्ट नहीं होता है, तो ये मूलभूत ऐसी आकृतियां हैं जो नष्ट या फर्दर जो है इसकी डिकोडिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है, प्रश्न रुचिकर है। डॉक्टर घनश्याम जी, मैं करो दृष्टि चरणों में प्रणाम करता हूँ सभी विद्वत जनों को, और आज का जो व्याख्यान गुरुदेव का रहा। घनश्याम जी आप अपनी बात रखिए जी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसे स्वर शास्त्र से भी जोड़ा जाना चाहिए शब्द को, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु जितने तत्व हैं ये स्वर में भी भुक्त होते हैं। 21,600 श्वास एक व्यक्ति दिन भर में लेता है, एक घंटे में 900 श्वास होते हैं और उसमें 180 तत्व का एक भुक्त होता है, उसे भी इसे जोड़ा जाता तो मैं समझता हूँ कि साधना के लिए हमें मार्ग मिल जाता। यही जा जी 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 ठीक है जी जी बहुत अच्छा जी। हाँ डॉक्टर इंदु जी नमस्कार, और उसके बाद यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर डॉक्टर सर आज का व्याख्यान बहुत अच्छा था सर का जो बोला उन्होंने इंद्र जी उसके ऊपर टिप्पणी जितने भी प्रश्न हुए हैं उसकी शब्द है जो सर ने इतना अच्छा जो बताया, मतलब निशब्द कुछ इतना तो शायद दिमाग चलता ही नहीं था जितना वो बता रहे हैं,
लेकिन एक प्रश्न फिर भी मन में था कि जैसे जहां पर मौन हो जाता है मंत्रों के साथ, वो मुद्राओं से भगवान से बात करते हैं, इनका कॉन्टेक्ट कैसे बनता है? वो सिर्फ मुद्राओं से अपनी हाथ की उंगलियां प्रक्षालन करके और उसको संबंध स्थापित कर लेते हैं जहाँ शब्द भी नहीं होता। मेरा ये जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा है तो अथाह है, पता नहीं अगर कभी जान पाऊं तो बहुत अच्छा होगा। बस यही कहना था सर। जी जी जी, मुझे लगता है कि प्रश्न को थोड़ा सा और व्यापक कर लेते हैं कि मुद्रा विज्ञान जो है इसका न्यासों से क्या संबंध है, क्योंकि जब आप अक्षरों का न्यास करते हैं शरीर में, न्यास डॉक्टर साहब उस पर भी चर्चा रखेंगे, अभी किसी और ने भी अपना हाथ उठा है, अध्यापिका गीता जी। जी मैडम, अपने को अनम्यूट करने। That was an overall presentation by Sir Sharma ji, Rajendra Sharma ji. It was, in fact, it's a concise, the entire mantranam, Matrika Devi. The entire this thing was given in a really summarized form. The thing is, you know, it is very difficult to absorb everything that fast. So, ye punar sunne ko milega? This whole talk, will you be putting this in your YouTube? And then only, you know, you want to pose a question, yes, like asking for this thing all, it's slightly off the mark, the mudra and all. Actually, the questions right to be in Mantrana, Mantrakadivi, Shabdana, no, and all those things, it's there in his talk. All this. So, the connecting the wave and the particle, that was the main focus of the talk. Then mudra and other nyasas are, then the further extensions. So, itni gambhir baat hua hai, itni in-depth baat hua hai, to iske liye hum log ko phir se sunna chahte hain. So, aap, will you be putting that up in YouTube? Then after all, we will contact Rajendra Sharma ji and get our answers. Do to hai, kya hai sab. So, whether he will be publishing a paper on this. Ye dono hume जरूरी है, बिकॉज यू नो द पाथ प्रॉब्लम ये है, श्री विद्या तंत्रागम शास्त्रागम सब मानते हैं एक रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर है, एक्चुअली इट इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक प्रोसीजर, इट्स एक्चुअली अवर शब्द पार्टिकल एंड वेव कनेक्शन इज द वे टू टेक यू फ्रॉम द बेसिक मेटीरियलिस्टिक डिस्टिंग टू higher elevation, yes, of Atmanyana. That connection is done only through the particle and wave method, Nada and Bindu, Bindu and Nada. That is how it goes. So, why he was trying to explain that that wavelength, that mantra, Shabda, Nada say, you have to this thing, Bindu say. So, all those things needs another listening, and for us also to understand that ritual alone is not the end of it. Ritual is the means to go for. So, can you say that Bindu or Nada ka iska mahatva hai? And he was talking about Devi Manam. Devi Manam kya hai? That Kala Gananam. Devi Manam ye Kala Gananam hai. That you, entire vision around you, you surround yourself looking at everything as the divine, this thing. Like Ramakapurusha Paramahamsa in dekha na, that in Tamil also we say, you know, Parka Medamallam Paraman, that wherever you see, you only see Devi, you don't see anything else. That means, Ekevaham Aham Yatra Dutiya Kamama Para. Such, that is the only vision you are supposed to see, and how that is being worked through this Bindu and Nada. So we would like to listen to this talk again. Hope you will be uploading it for us so that we can listen to that. Will you be? Please. That would be the best service you will be doing. जी जी जी, श्योर, थैंक यू मैम, दिस इज वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज द एक्चुअली वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू दिस, ब्रिंगिंग टुगेदर दिस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रेडिशन एंड फॉलोइंग अवर ट्रेडिशन एट द सेम टाइम, एट प्रेजेंट दैट साइंटिफिक नॉट लिविंग नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन बट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन अ साइंटिफिक मैनर टू. That. No, science is after all a part of Adhyatma. Yes. It is not, a science is not something which has another separate.
और बिंदु वी आर ब्लाइंडिंग अवर सेल्फ, जैसे जीवात्मा को ही परम जीवात्मा को ही मानता है, परमात्मा को तो कभी मानते ही नहीं है, को ही मानते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते हैं, बट नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज देयर, दैट इतना कुछ है इसमें, इतना कुछ है, उसका देखने का क्षमता है हमें. Here I would like to comment a few points to ma'am, because she is very rightly telling about the basics, you know, particle and wave. And I would like to say that this particle of light is in all of us, you know, we are connected with the source. So I would like to call the outer expression of your soul, which is a creative intelligence, which remains connected to its source 24/7, is your attention. And that attention is like an optical scanner. It's a capable force, which is all-knowing, all-pervading. So this particular thing, you know, is added to that Shabad, because through that Shabad, we can get connected to the source, and we can use all those abilities of the soul through intuitions to run this mind and body. Whereas body and mind are running that. Of course, these are all frequencies. Of course, the frequencies have developed everything. Even the whole cosmos is running on frequencies. It has got that information system like and it is all operative from that. And it is all frequency only. So I think it would be more scientific. ठीक है. मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर रवि जी इसके ऊपर अगर एक छोटी किसी टिप्पणी अगर करें तो. रवि जी, डॉक्टर रवि राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ नमस्कार. राजेंद्र प्रसाद जी चले गए हैं, उनको शायद मौका मिलना चाहिए था पहले बोलने का, पर वो पता नहीं अभी इस पे वेब पे नहीं दिख रहे हैं, या है तो वो कुछ कहना चाहें तो पहले उनको कहना चाहिए. राजेंद्र जी साहब, आप अनम्यूट करेंगे और कुछ बोलेंगे या मैं बोलूं कुछ? हैं तो सही वो, लेकिन म्यूट किए हुए हैं, तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं? सर उनकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ शब्द उच्चारण तो कर रहे हैं. पहले रवि जी, पहले आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं. नहीं पहले आप बोलिए. आप नहीं सर, आप वक्ता हैं, आपको पहला मौका मिलना चाहिए, और मैं आपको इसी माध्यम से फिर धन्यवाद देता हूं. बोलिए, कितने प्रश्न आए हैं? 5-6 प्रश्न आए हैं उनको, बाद में मैं भी कुछ बोलूं. आज के इस प्रोग्राम में बहुत से बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न रखे और अच्छी बातें आपने पूछी. इसमें जो जैसे मैं पहले एक विद्यार्थी का जो प्रश्न शुरू करता हूँ, उन्होंने ये पूछा कि भाई कि मंत्र किस तरह प्राप्त किया जाएगा, क्या है? तो उसमें वो कहते हैं कि मंत्र जो प्राप्त होता है वो गुरु से होता है, वो ऊपर से आता है मंत्र. ऐसा नहीं होता कि वो हमें प्राप्त करना पड़ता है, मंत्र ऊपर परमेश्वर की कृपा से आता है. उससे संबंध जब भी होता है, जब भी उसमें जिज्ञासा होती है, जब वो देना चाहते हैं तो अपने आप मिलता है. हमें केवल अपने योग्यता बनानी होती है, अधिकारी बनते ही अपने आप गुरु आ जाता है, क्योंकि वो जो परम सत्ता है, वो बड़ी चैतन्य सत्ता होती है, उसे सब पता है. हम ऐसा समझते हैं कि हम अपने आप को जब ज्ञानी समझते हैं, अहम भाव होता है, तो हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते. हमें अपना अहम भाव छोड़ना पड़ता है. अहम भाव से छोड़ेंगे तो परमात्मा अपने आप उसमें कृपा करता है, और परमात्मा हमें ऐसा देता है कि वो हमें जब उसने भेजा है तो हमें जो कार्य करना है उसके लिए इस तरह से मंत्र भी प्राप्त हो जाते हैं और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है. एक दूसरा जो प्रश्न था, उन्होंने कहा कि भाई मुद्रा क्या है. तो मुद्रा हमारे तंत्र में 50 मुद्राएँ मानी जाती है, प्रत्येक देवता की मुद्राएँ होती है. ये 10 मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिव त्रिपुरा की 10 मुद्रा गणपति की मुद्रा. वो मुद्राएं इसलिए जरूरी होती है कि तो हमारा मन भटकता है. हम आंख बंद कर लेते हैं, अब ध्यान लगा रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र जप में लगता ही नहीं कभी. मंत्र में याद आता है ये कर लूँ वो कर लूँ, और मंत्र हम बोलते हैं, वास्तविक उच्चारण होता है, पर मन तो और भटकता है. तो कबीर कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे जिभ फिरे मुख माही, मन वा तो चहूँ दिसी फिरे ये तो सुमरण नाही. माला फिर रही है, माला तो कर्मे फिरे जिभ फिरे मुख माही, जिभ मुख में फिर रही है, और मन वहाँ तो चहूँ मन तो चारों ओर भटक रहा है. मन में तो क्या क्या यार, ये कर दूँ वो कर दूँ, इसका ये सुलटा दूँ वो सुलटा दूँ, तो मन तो भटक रहा है. ये तो स्मरण, ये तो भगवान का स्मरण नहीं हुआ. मंत्र को जब हम जप करें
तो उसमें तल्लीन होना जरूरी है, एकाग्रता उसमें होनी चाहिए। चित्त की एकाग्रता असंभव होती है। चंचलम ये मन कृष्ण परमाथी बलवत दृढ़म अर्जुन से पूछते हैं तस्या हम निग्रह मन ने, तो मन को एकाग्र कैसे किया जाए। मन को एकाग्र करने के लिए हमें एक ये जो अंगन्यास होते हैं, सबसे पहले उसमें कहा कि प्राणायाम होता है। प्राणायाम आप नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उसमें मंत्र का जप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मंत्र अमंतक प्राणायाम से नहीं होगा, समंतक प्राणायाम करने पड़ते हैं कि आप जब आप इसका रेचक कुंभक और ये करेंगे, पहले आप जब श्वास खरीदेंगे खींचेंगे तो उसमें एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर जब श्वास को कुंभक में रोकेंगे तो उसको चार बार आप पढ़ेंगे, फिर जब रेचक करेंगे तो दो बार छोड़ेंगे, फिर एक बार खींचेंगे, इस तरह कई देर आप करेंगे तो प्राणायाम होगा। पहले जो विधि है प्राणायाम, प्राणायाम के बिना जब तक प्राण हम प्राणों प्राणायाम के द्वारा हमारी सुषुम्ना स्वर जागृत होता है। सुषुम्ना अगर जागृत नहीं है तो सब उच्च मंत्र बेकार होते हैं। आप कितनी बार पढ़ लो, हल्ला कर लो, माइक लगा लो, मंत्र बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा मन नहीं है वहाँ पर। तो जब मन नहीं है माला तो कर, तो इसलिए वो कहते हैं कि माला फेरे जुग गया, कबीर कहते हैं फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो माला फेरने से कुछ नहीं होता है, माला फेरो तो उससे केवल उच्चारण हो गया, उच्चारण होने नहीं है, उस मंत्र का जो उसका मर्म है, उसका जो दैविक पक्ष है और उसका आध्यात्मिक पक्ष है, तब हम जब पहुँचेंगे तब हमारा मन उसको ही माने और ये संसार हमें दिखना ही बंद हो जाए, संसार की से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहे, जो तल्लीन होते तो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अरविंद हो या अरविंद जी हो या जय मान लीजिए रामकृष्ण महंत, तो वो उस अवस्था में जब लीन होते तो संसारिक वस्तुएँ अपने आप गौण हो जाती है, सुनना ही बंद हो जाता है। आप जैसे जैसे प्राणायाम के द्वारा मंत्र जपेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ा होता है अक्षमाला। अक्षमाला क्या है? तो कहते हैं ऐसे लेकर क्ष तक वर्णमाला होती है। आपको मंत्र में पहले अह बोलना है, फिर एक मंत्र पढ़ना है, फिर आ बोलना है, फिर ई बोलनी है, फिर ई बोलनी है, ऐसे 50 बार पढ़ेंगे, फिर उल्टा पढ़ेंगे उसको, तो अब अक्षमाला होगी, तब जाके हमारा मन शांत होता है। तो मन तो क्या एक सेकंड भी हमारा नहीं रुकता मंत्र में, मंत्र बोलते रहे, मंत्र बोलते रहो, कुछ भी मंत्र तो है, मन तो है ही नहीं। तो मंत्र को स्थिर करने के लिए उनका अक्षमाला जब करें, अक्षमाला के अंदर हमें पूरी वर्णमातिका पढ़नी पड़ती है, ऐसे लेकर क्ष तक गए, फिर छः से लेकर आ तक आए, और फिर आठों उनके जो प्रथम अक्षर हैं उनको लेंगे अष्टमात्रिकाओं के, तो वो एक अक्षमाला कहलाती है। तो जब हम अक्षमाला के अंदर मंत्र जपेंगे तो एक बार में सिद्ध हो जाएगा, और ऐसे दिन भर राम 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 कहते हैं उससे सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि उसमें मन हमारा जो है वो वहाँ नहीं है। तो मन का होना, ये कहते हैं जितने भी संसार के जितने भी चीज़ें हैं, अंगन्यास है, कर्न्यास है, ये सब मन को एकत्रित करने के लिए होते हैं। तो पहले हमने प्राणों को बस में किया, प्राणायाम किया, फिर हम आसन पर बैठे, आसन पर बैठने के बाद में हमने उसके देवता ऋषि छंद और उनका स्मरण किया, फिर उसको अपने शरीर में धारण किया, तो अंगन्यास कहलाता है। अंगन्यास में जो कहते हैं कि 11 अंगन्यास हैं, या अगर अंगन्यास नहीं रहोगे अंगन्यास विदुरा न दाशंति फलान्यमी, अगर आपने अंगन्यास नहीं किए तो मंत्र काम ही नहीं करेगा, कोई फल नहीं मिलने वाला है, वो सब निरर्थक हो जाएगा। तो प्रत्येक मंत्र के साथ में उसके 9 या 11 अंगन्यास होते हैं, वो अंगन्यास पहले भी करने पड़ते हैं, उसके बाद में भी करने पड़ते हैं। और फिर अंगन्यास भी कर लिया तो अंगन्यास से भी नहीं फिर होगा, ध्यान लगाना पड़ता है कि एक मंत्र के साथ में एक देवता होगा, उस देवता का हम ध्यान करेंगे, इसका रूप कैसा है। हम गणपति का ध्यान करेंगे तो गणपति 32 तरह के गणपति आते हैं, ऐसे देवी के हम जितने ध्यान करते हैं तो हम सबको ध्यान का एक मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान का मंत्र पढ़ करके फिर हम उसका एक अर्चन करते हैं, वो मानसिक अर्चन होता है, जिसमें कहते हैं पृथ्वीआत्मकम गंधम समर्पयामि, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। तो ये 5 चीज़ें पंच महातत्व होते हैं। तो पृथ्वीआत्मक गंध होती है, आकाशात्मक पुष्प होता है, और वायवात्मक धूप होती है, और अग्नि जो है वो तेज होता है, दीपक होता है अग्नि रूप, और लास्ट में वह जो है जल का वाचक है वो नैवेद्य होता है। तो इनको वो समर्पित करते हैं, फिर हम अपना मन अब उसमें स्थित करते हैं। अब उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया, कितने मंत्र जपेंगे, कितनी कुलता होगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जब विधि है, उसमें कितने मंत्र आपको जपने पड़ते हैं तो आजा करके आप उसका अधिकारी बनते हैं। और अगर आपने ये पूरा कर लिया तो फिर आप पर कुछ सांसारिक चीज़ें नहीं आती, वो कहते हैं मंत्र से आप पवित्र हो गए तो उनके सावर सूतक सब खत्म हो जाते हैं। मंत्र पूत होने के बाद में बाकी चीज़ कुछ करने की जितनी होती है, मंत्र अपने आप में चैतन्य होता है और वो तुरंत असर करता है। वो कहते हैं कि मंत्र के लिए जैसे सामान्य लोग कहते हैं कि हम लोग मंत्र से कार्य कर लें, कि उसमें कोई भी कार्य करना मंत्र से मना किया गया है, कि मंत्र से महेश्वर तक जाते हैं, तो उसमें कहा कि आप कोई भी उसको काम में प्रयोग नहीं करेंगे, साधना में काम्य प्रयोग नहीं हो सकता, कि काम्य प्रयोग करेंगे तो फिर आप साधक ही नहीं हुए, क्योंकि आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, आपके इष्ट पर विश्वास नहीं है। आप जिस इष्ट देवता का मंत्र लेते हैं, इष्ट देवता उसका आपका गुरु और मंत्र और आप, ये चारों चीज़ें मिलकर एक होते हैं तो सिद्धि मिलती है। इसमें कुछ भी करने की जितनी होती है आप चारों को एक कर लें, यानी जो देवता है जैसे राघव उसमें लिखते हैं, उसमें भक्तमाल में
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक है, कि ये चार चीज है ही नहीं, इनको अगर आप चार समझेंगे तो फिर आपको कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। कि जो भक्त है, करने वाला साधक, और उसका जो साध्य देवता है, और बीच में उसका गुरु और मंत्र, चारों मिलकर के जब एक होते हैं तो उसमें सिद्धि का मार्ग प्रशस्त है। उसके लिए उन्होंने मुद्राएं बताई कि मुद्रा से हम जब मन नहीं भटक बस में आता है तो हम 50 मुद्राएं करते हैं, कि प्रत्येक देवता की, इसमें देवी भागवत में गायत्री की 24 मुद्राएं बताई गई है, कि 24 मुद्राएं पहले की, 8 मुद्रा बाद की, ऐसे प्रत्येक देवता की मुद्राएं होती हैं। तो मुद्रा भी करनी पड़ती है, एकांत भी चाहिएगा, सामने भगवान का स्वरूप भी होगा और मन भी स्वरूप होगा, तो उसमें हम शरीर से भी जप करेंगे, मन से भी करेंगे और आत्मा से भी जब करेंगे, तो वो मंत्र की सिद्धि हो जाती है, और वो मंत्र सब कुछ कर सकता है। उसमें फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो मंत्र ही करता है। तो उस समय में ये संसार की जो बातें हैं वो निरर्थक हो जाती हैं, और वो परम तत्व का साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से ये तंत्र की जो प्रक्रिया है ये बताई गई है, और इसका एक रास्ता बताया गया है। अब इसमें ये कि जैसे एक जो प्रश्न उन्होंने किया, सुषमा जी कह रहे हैं कि भाई जो मातृकाओं का संबंध क्या है, तो मातृकाओं का संबंध जैसे मैं ध्यान लगाऊंगा, मान लीजिए चूंकि अब मेरे को संसार से कुछ लेना नहीं, मैंने मंत्र का जप करना, तो मंत्र का जप करूंगा तो मैं कहाँ जप करूंगा उसको, सहस्रार में करूंगा या मूलाधार में करूंगा या मैं हृदय में करूंगा। तो हम देवताओं को अपने हृदय में विराजमान करते हैं कि देवता जो है वो हृदय में आ जाए, हमारा सहस्रार से वो हृदय में आ जाए और हृदय में स्थापित करके, तो उस देवता के साथ में उस वर्ण का, हम देवनागरी का जो रूप होगा वो हमें देखना पड़ेगा ना। हम ध्यान कैसे करेंगे अगर उसका रूप नहीं मानेंगे, तो भाषा का एक रूप होता है, मंत्र का एक रूप भी तो होगा, तो वो अक्षर रूप जो है उसको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ है कि जो अक्षरम न अक्षरम विद्या, इसका अक्षर नहीं होता। अब जो हम लिख रहे हैं शब्द या जो बोल रहे हैं शब्द, तो इनमें कौन सा शब्द नित्य है? शब्द नित्य वही होता है कि जो शब्द हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, पैदा नहीं करते शब्दों को, तो शब्द हमेशा अनादि निधन होता है। बत्री कहते हैं प्रत्येक शब्द अनादि निधन होता है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व अक्षर है, अक्षर इसको इसलिए कहते हैं कि इसका अक्षरण नहीं होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। हमने जो भी शब्द उच्चारित कर दिया वो शब्द अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि उसकी ध्वनियाँ तरंगे चलती रहेगी, वो तरंगे उसकी चलायमान रहेंगी। आपने जितना जप किया उस जप का असर चलता रहेगा, वो आपको रोकेगा नहीं, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, क्योंकि नित्य है। शब्द को नित्य माना जाता है मीमांसा में और व्याकरण में, वो शब्द को इसलिए कहते हैं नित्या शब्दार्थ संबंधा, शब्द उनका जितने पदार्थ और उनका संबंध नित्य माना जाता है, कि नित्य संबंध है। बाकी जो है साथ अनित्य मान लेते हैं, कि भी शब्द जो है वो निगाही करेंगे नहीं, उच्चत प्रध्वंसिता शब्द से अनित्यता, कि शब्द ध्वनि मात्र शब्द नहीं होता, शब्द का जो हमें ज्ञान होता है वो नित्य हो। और हमारे लास्ट में क्या हमारे शब्द बचेंगे, जो भी बचा आज तक हमारे शरीर का क्या भाग बचता है? तो मान लीजिए जो भी विद्वान हुए वो चले गए, पर उनके शब्द रह गए। प्लेटो ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, हम पढ़ते रहते हैं, आइंस्टीन ने क्या कहा और हम कहते हैं भाई इसने ये कहा, तो लास्ट में अमरता किसको मिली? कबीर नहीं को, उसके शरीर को नहीं मिलती है, उसके कर्मों को नहीं मिलती है, पर उसका जो यश, या तो यश रहता है या उसके जो उसके या उसके शब्द ही रहते हैं। तो शब्द इसलिए शब्द अमर है, और शब्द ही जो आत्मा का रूप होता है, इसके अलावा कोई शब्द का रूप नहीं होता। इसलिए हम ये मानते हैं कि शब्द ही परावाणी है, और वो परावाणी जो है वो उसका अव्यक्त रूप है, वो प्रकट नहीं होता। पश्चिंती मध्यमा बेखरी जो है वो उसमें बेखरी तो ध्वनियात्मक हो जाती है, उच्चारण हो जाता है, इसके पहले वो केवल इच्छा रूप है और ज्ञान रूप है। इच्छा रूप, ज्ञान रूप और क्रिया रूप ये शब्द के होते हैं, और असली जो रूप है उसको कहते हैं, उस शब्द में शांता अवस्था होती है। चौथी जो अवस्था है, परा की जो अवस्था है, उसे शांत अवस्था मानते हैं, कि वो शांता अवस्था होती है, उसमें सभी गुण शांत हो जाते हैं, वो निद्रा से भी आगे की चीज़ है, उसी को समाधि कहते हैं। इस तरह से मैं अपनी बात जो भी कह पाया वो संक्षिप्त में मैंने रखी, और आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बाकी अब रवि जी बताएंगे क्या उनका प्रश्न और क्या उनका समाधान है। जी 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 डॉक्टर रवि जी, और फिर उसके बाद डॉक्टर चित्रनंदन जी जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जी मैं बस काफी चीजें यही सुनना चाहता था जो राजेंद्र प्रसाद जी ने समझाई, और एक दो बातें गीता की बातें तो हमारे बीच में मेरे बड़े भाई भी उपस्थित हैं, वो कहना चाहेंगे, मन के बारे में भी वो मुझसे ज्यादा जानते, लेकिन मन के बारे में एक दृष्टांत के रूप से शिव संकल्प स्तोत्र के बारे में जरा सा कहना चाहूंगा। आपके भाई साहब आएंगे, सुबोध जी आए क्या? हाँ वो सुन रहे हैं, बताइए उनसे बात करना है, उनसे भी निवेदन है। मैं बोलता हूँ, बोलना बंद कर दूंगा अगर वो अनम्यूट करेंगे तो।
और नहीं करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। तो मन के बारे में सिर्फ मैं जरा सा यही कहना। नहीं नहीं उनको कहिए जी, प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? मैं पहले जरा सा बोल दूं, दो मिनट, फिर आप गोपीनाथ जी बोलेंगे। डॉक्टर सुबोध शर्मा नहीं सुन रहे शायद, नहीं तो वो अनम्यूट कर देते अब तक। तो मैं ये इतना सा कहना चाहता था कि शिव संकल्प स्तोत्र शुक्ल यजुर्वेद में 9 मंत्र है, या 9 जो भी बोलेंगे आप यजुर्वेद के मंत्र हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में 21 है। और इन दोनों के अलावा मैंने कुछ पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा हम जब न्यास करते हैं तो 31 बोलते हैं। वो 31 की सूची मेरे पास है, मैं उनको आपको प्रेषित कर सकता हूँ। तो देर इज डेफिनेटली एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनल प्योरिफिकेशन, अंदर से आत्मशुद्धि करने के बाद आप ज्ञान के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे ज्ञान के लिए गीता में विषाद की अवस्था होना जरूरी है ज्ञान के पहले, इसीलिए यह एक बात कहना चाहता था। दूसरा, फ्रीक्वेंसी, वाणी, शब्द और जो मात्राएं बताई सारे गामा वाली, ये सब ध्वनियां, इन सब का आपस में फिजिक्स से बहुत संबंध है। एक तो फिजिक्स इन सारी फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करता है, और फ्रीक्वेंसीज आजकल बहुत आगे तक इतनी बढ़ गई हैं कि आप लोगों ने नाम सुनेंगे कुछ, जैसे हिग्स या जो मैटर को जन्म देने वाला पदार्थ है उसको अपन इंद्र तत्व भी बोल सकते हैं वेदों में। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनमें फ्रीक्वेंसी ही बहुत बड़ा साधन है, और हम जैसे जैसे एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज पर हम लोग, मतलब बहुत एनर्जी से हम पदार्थों को तोड़कर उनका विश्लेषण पांडित्यम परिच्छेद वाला काम कर रहे हैं। तो मुझे ये 2-3 बातें छोटी सी कहनी थी। अब मैं आपको वापस गोपीनाथ जी आपको सौंपता हूँ माइक, अगर अगर अंगिरस आप बोलेंगे तो आप आगे बोलिए, मैं विराम लेता हूँ और कोई भी जिज्ञासा हो तो। नमस्ते, मेरा नाम गोपीनाथ, चेन्नई से हूँ। डॉक्टर नहीं, मैं मामूली सिंह गोपीनाथ हूँ, चेन्नई से बात कर रहा हूँ। सभी साधकों को नमस्कार, सादर प्रणाम। एक प्रश्न था, जो चित्र है उसमें पंचभूतों का बीज मंत्र है, उसके बाद सबिंदु उकार है, तत्पश्चात प्रणव। इस सबिंदु उकार का विश्लेषण अगर पहले हुआ हो तो मुझे माफ करें, मैं अभी 10 मिनट के पहले ही ज्वाइन हुआ था। इस सबिंदु उकार का विश्लेषण कोई बता सकता है क्या? मैंने अभी तक जो सुना, राजेंद्र प्रसाद जी आप इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, अभी तक जो सुना मैंने इसी सत्र में मैंने सुना कि जब ऊपर बिंदु लगाते हैं तब वो मंत्र बीज होता है, बीज मंत्र होता है, उसके बिना नहीं। ये ओम ओम का भी बिना बिंदु वाला और बिंदु वाला, हालांकि हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन ओम की मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में सुना दी है। हाँ, ये सबिंदु सबिंदु परशुराम कल्पसूत्र में उसका उसका बीच मंत्र को, नहीं ये सबिंदु का नहीं, ये ओम ओम का विश्लेषण क्या, अभी ओम क्यों, पंचभूतों का बीज मंत्र के बाद ओम के बाद ओम, उसका सीक्वेंस थोड़ा सा मुझे समझने का था, अगर हो सके तो प्रकाश डाले उसमें। नहीं, नहीं, चक्रों के बाद आप पूछ रहे हैं ये ठीक है। हाँ गोपीनाथ जी नमस्कार, आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे जो ठीक है आप बोलिए, पंच बीज है ना, जैसे मान लीजिए मूलाधार में हमें पृथ्वी मानते हैं, ऊपर स्वाधिष्ठान और ऊपर से आएंगे नीचे। डॉक्टर साहब वही है, आकाश वायु और अग्नि अपने आप, हाँ वो पांच आ गया,
अब यहाँ जो बीज है उसमें है और ला है, है और ला है, हंग और छंग जो बीज मानते हैं, हंग छंग बीज जो है उसमें ला अंतर्भूत और दिखता नहीं है, तो तीन बीज मानते हैं क्योंकि हमारे नेत्र तीन होते हैं। उनका प्रश्न कुछ और था, थोड़ा अस्पष्ट रहा क्योंकि। हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ बताइए। क्या डॉक्टर प्रसाद जी, प्रणाम प्रणाम। नहीं, नहीं, मैं तो ये था कि उनका क्षेत्र में मेरे पास ध्वनि बिंदु का क्या है। हाँ, फिर से कोशिश करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। मैं इस चित्र में ना उसका राइट हैंड साइड में जो नाभि प्रेजेंट हो रहा है उसका राइट हैंड साइड में ये पांच भूतों का बीज मंत्र है। लंबम बीज मंत्र को बाहर नहीं बोना, बाहर नहीं बोने का इसलिए बोलते हैं पांच 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 तत्वों का है। उसके बाद ओम एक बीज है, उसके बाद प्रणव है। ओम क्यों, तुरीय श्रम क्यों नहीं, चतुर्थ श्रम जो बोलते हैं सार्दपरा कला वो क्यों नहीं, ओम क्यों डाले, ये शिव का संकेत करता है क्या जी? बस वो मेरा प्रश्न था। ओम से पहले ओम क्यों? जी 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 जी, अब ठीक है, अब हाँ कर सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ? राजेंद्र जी। हाँ, ये कहाँ लिखा हूँ आपने? हाँ, अब आप स्पष्ट कर सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि पंच महाभूत हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी जी, वो आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो पंच महाभूतों के बीज मंत्र हैं, इसके बाद जो ओंकार आता है वो किस तरह से, और फिर उसके बाद प्रणव आता है, तो वो इस को जानना चाहते हैं। नहीं, इसमें ओम बीज नहीं आता पहले। इसमें जो हम करते हैं ना कि प्रत्येक वर्ण में जैसे हम कहते पंच महाभूतों के बीजों के बाद प्रणव, ओंकार, और ओंकार के बाद फिर प्रणव। हालांकि नहीं, ओंकार और प्रणव एक ही चीज दो थोड़ी है। प्रणव में हम जो तीन ध्वनियां मानते हैं और मैं, तो प्रणव ही आता है कि प्रणव बीज है तो वो प्रणव बीज आता है, जबकि सहस्रार में नाद और बिंदु आते हैं कि विसर्ग यंत्र है, बिंदु वाहन है। नहीं, दो तो नहीं है, लेकिन ये है किस पुस्तक से बोल रहे हैं, कहाँ मतलब वाले आया आपने कहीं लिखा? प्रसाद जी, जो अभी एक एक प्रसाद जी प्रणाम, अभी एक चित्र अभी चालू है जी, उसके राइट हैंड साइड में आप देखिए लम वम रम यम हम, उसके बाद हम, उसके बाद प्रणव। इसमें तो खम लिखा है, उसके बारे में पूछ। हम नहीं, वही लिखा है खम लिखा है, इसको यम नहीं बोले हम, इन्होंने खम लिख दिया वो हम। वही तो बोल रहा हूँ, लम वम रम यम हम, उसके बाद उम, उसके बाद ओम प्रणव। ये उम का, ये ओम का क्या है वो पूछ रहा था, ये शिव संबंधित ओम है क्या है? डॉक्टर साहब मैं समझ गया। हां जी जी डॉक्टर साहब, इधर लिखा। हां ठीक है, मैं समझ गया। इधर वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो ये है, हां ये चक्र, जी जी ये वाला ओम है महाभूत, और ये चक्र, हां ये ओम, और फिर उसके बाद ये जो प्रणव का ओंकार वाचक है। नहीं, इसमें ओम होता भी है, और ओंकार के बीच वाला जो ओम, ओम लिखा आपने, ये तो मैंने एकत्रित की है जहां जहां से मुझे मिल गए। हाँ तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें हमारे फिक्स है, मतलब जो इसके लिए प्रमाणिक पुस्तक। हाँ, मैं बोलता हूँ। आप उनको राजेंद्र जी को बोलने दीजिए। मैं बोलता हूँ आस्तो जी, ये क्या कि हमारे जितने भी षट चक्र है उसमें दो पुस्तकें मिलती है। षट चक्र में किस अक्षर को देखेंगे, एक तो मिलता षटचक्र निरूपण, ये षटचक्र निरूपण जो किताब है ये श्री तत्व चिंतामणि का छठा अध्याय है, तो ये एक मिलता है। इसमें भी दो तरह की विधि, एक नित्या पद्धति है, दो पद्धति है। इसमें हम कहते हैं कि पहला जो अक्षर है, पहले मूलाधार में ल है, फिर वो कहते हैं कि व है, फिर र है, और फिर हृदय में यह है, वायु विधि, क्योंकि हृदय में श्वास होती है, प्राणवायु होती है, या फिर जब हम कंठ में आते हैं तो उसको है वर्ण कहा उन्होंने, है के बाद में यहाँ जो कहते हैं कि यहाँ प्रणवी है, ऊ नहीं है, प्रणव बीज है, वो कहते हैं जो अक्षर दो हैं, एक तो है और एक क्ष है,
हंग संग दक्षरे लिंग यंत्रे नर वाहने, तो लिंग यंत्र नर वाहने, तो इनके साथ में जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें इनका सबका अर्थ ठीक से कि भी अक्षर कौन सा है, तो इसमें कहते हैं हंग संग दक्षरे लिंग यंत्रे नर वाहने प्रणव बीजे स्थिताय ज्ञान शक्ति सहिताय गुरुवे नमः। तो ये गुरु का ध्यान यहाँ पर होता है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा एक और है, तो उसमें वो कहते हैं जो वो कहते हैं कि भाई मूलाधार में ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर ईश्वर को, सदाशिव को, और फिर वो उसमें गुरु नहीं होता है। तो उसमें दो पद्धतियां हैं, दोनों पद्धति हम लोग इसमें ये कहेंगे कि दो तरह की पद्धतियां मिलती है इसमें। तो जो भी पद्धति मिलती है वो सब प्रमाणिक होती है, क्योंकि हम लोग किसी का एक दूसरा खंडन नहीं करते। श्रुति द्वेधम तो यत्र स्यास् धर्मो तौ हो स्मृतो, दो तरह की श्रुतियाँ मिलती है। मान लीजिए कोई कहता है कि ऐसा होता है कि मूलाधार में ब्रह्मा होता है, कोई कहता मूलाधार में गणपति होता है, तो हम किसका माने? तो आपको दोनों पद्धति मानी जाती है कि दोनों पद्धतियाँ ठीक है, उनका मानने का तरीका है, तो उन्होंने मान ली होगी। हम लोग जो मानते हैं इसमें केवल प्रणव मानते हैं, इसमें उम नहीं मानते कि प्रणव बीज है इसमें। और फिर वो कहते हैं विसर्ग यंत्र है बिंदु वाहन है, सहस्रार में विसर्ग यंत्र है और बिंदु वाहन है। तो एक यंत्र होता है, एक बिंदु होता है, एक वाहन होता है, फिर उसके ऊपर देवता होते हैं, फिर देवता का जो रूप होता है वो इसमें बताया जाता है। तो ये उम जो है हम लोग नहीं, मैंने इसको नहीं देखा है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं बताता हूँ, ये आप बताइए। ये है बुद्धिस्ट तंत्रों से, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें, चित्र आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से हैं। यूं की परंपरा से है, तो मुझे वो कोई उचित चित्र नहीं मिल रहे थे, तो फिर वो मुझे ये प्रभावी लगा, तो ये वहां से लिया हुआ है बुद्धिस्ट तंत्रों से। तो इतनी ही बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी और किसी के चित्रंजन जी को जरा सा मैं एक क्षण के लिए निवेदन करूंगा। माधव संवाद जी बोलेंगे, माधव संवाद जी बोलेंगे उसके पहले मैं एक ऐसा कहूं कि कहीं कहीं मैंने ओम का अर्थ शिव से जुड़ा हुआ समझा, तो गोपीनाथ जी के लिए बोल रहा हूं कि ओम ओम मात्रा वाला नहीं, ओम मैं आधा हलन, ऐसा मैंने शिव के बारे में पढ़ा वेद में। गोपीनाथ जी I hope you are listening. जी मैं सुन रहा हूँ सर, जी मैं सुन रहा हूँ सर, मैं जो मैं सुन रहा हूँ seems to be related to Shiva. जी ठीक, that's all. हाँ 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 okay okay धन्यवाद। आदरणीय, मैं 30 सेकंड का समय ले सकता हूँ यहाँ पर? okay जी माधव जी। जी जी प्रणाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो लोगो है उसमें यह सबिंदु उकार मिलेगा आपको। ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया था, मैंने ये परीक्षा रखी, आज मुझे लगा कि इसका समुचित समाधान होगा, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। ये सबिंदु उकार की बात जो भी कही गई है, जो प्रणव से पहले प्रदर्शित हो रहा है, परम पूज्य मालवीय जी महाराज जी ने उसे लोगों में स्थान दिया, और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ध्वज है उसमें भी वागदेवी की प्रतिमा इसी ओंकार के भीतर, सबिंदु, ये ओम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबिंदु उकार के भीतर वागदेवी की प्रतिमा है, यानी जो ऊ की मात्रा है वो उसमें नहीं है, नदारद है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह रहा है कि मैंने जहां जहां ये परीक्षा की इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया, तो इसे कृपया फोकस पे जरूर रखा जाए, मेरा ये निवेदन भर है। जी प्रणाम। तो ये दीर्घ है या ह्रस्व है काशी में? ह्रस्व है। ऊपर बिंदु नहीं है, इसका मैं बता दूं, बिंदु है, बिंदु चंद्र बिंदु है, वो ऊ की मात्रा नहीं है। अनुस्वार के साथ ह्रस्व हो सकता है क्या? मैं का हलन ऊम ना ना, मैं जो आदरणीय आशुतोष जी की स्लाइड पे शो हो रहा है, मैं देख रहा हूं सेकंड लास्ट, उसकी बात कर रहा हूं। मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन उसका मैं बोलूं सर, सर सर संभव हो तो एक बार लोगो डाउनलोड करके, एक सेकंड लगेगा, मैं बोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए आप, मैं बोल देता हूँ इसको।
कि जैसे इसमें आपने ऊ का पूछा ना, तो जैसे मैंने नंदिकेश्वर काशिका का उदाहरण दिया था, तो आयुण सूत्र की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि अकारो ज्ञप्ति मात्र स्यात् इकारस्य कलामता उकारो विष्णु रित्याहु व्यापकत्वान महेश्वर, कि ऊ जो है उसने अर्थ बताया जो नंदिकेश्वर ने अपनी काशिका के कारिका नौ में बता रहे हैं कि अकारो ज्ञप्ति मात्र स्यात्, अकार जो है वो ज्ञप्ति मात्र है, अयुण के अर्थ में बता रहे हैं ये, इकार जो है वो इकार कलामता, इकार जो है वो उसकी शक्ति है, आ और ई को हम शक्ति कहते हैं, वो इच्छा शक्ति कहलाती है, आ का मतलब ब्रह्म हुआ, अकार को विष्णु भी कहा, अकार को महेश्वर कहा, ई उसकी शक्ति है, उकार क्या, उकारो विष्णु रित्या जगत को पालन करता उसको उकार कहते हैं। एक अर्थ तो ये उसके अनुसार है कि उकारो विष्णु रित्या हो व्यापकत्वान महेश्वर, तो कहते हैं ये ऐसे सभी लोगों ने इसको कहा कि उकार जो है वो उकार जो है वो विष्णु रूप है, और जो विष्णु का अर्थ है कि सब जगह व्याप्त है, तो इसे हम महेश्वर भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यापकत्वान महेश्वर, तो महेश्वर का प्रतीक है एक, तो इसको महेश्वर बीज ये नंदिकेश्वर जी बता रहे हैं कि उकार का अर्थ है उम का अर्थ है वो महेश्वर का बीज मंत्र है। दूसरा जो अर्थ है कि हम ऐसा मानते हैं कि तीन जो मंडल होते हैं अग्निमंडल है, पहला जो मंडल है दस कला का अग्निमंडल होता है, तो उसमें दस कल अक्षर होते हैं, और दूसरा जो मंडल होता है उसमें ऊ होता है, तो ऊ का सूर्य का बीज मंत्र भी है, ये सूर्य का बीज मंत्र है, और सूर्य जो है वो विष्णु के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसको विष्णु कहा गया, सूर्य जो है वो सूर्य ही विष्णु है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि सूर्य की जो पत्नी हम कहते हैं समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम, तो विष्णु की पत्नी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो पत्नी है श्री और लक्ष्मी के रूप में पुरुष सूक्ष्म में अंत में नारायण सूक्ष्म में कहते हैं कि नारायण की पत्नी है, तो जो नारायण जो है ये नारायण का यानी सूर्य का ये बीज मंत्र है, मैं जो बीज मंत्र है वो चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो अब ओम के अंदर हम तीन मात्रा मानते हैं, जो पहली मात्रा आकार वाली मात्रा है तो उसको अग्नि बीज कहा एक जगह, और एक जगह के ऊ जो है वो सूर्य की सूर्य का बीज मंत्र है यानी विष्णु का बीज मंत्र, और मैं जो है वो मैं जो है उसका चंद्रमा का बीज मंत्र है, तो मैं जो है वही पंचम वर्ण है। ये पंचम वर्ण जो होते हैं तो कहते हैं पंचम वर्ण जो होता है वर्णमाला में, तो वो पंचम वर्ण से ही हम बीज मंत्र बनाते हैं कि वो उसी से अनुस्वार या अनुनासिक बनता है। पाणिनि का सूत्र मुखनासिका वसनो अनुनासिका है कि हम किसी वर्ण का जब अनुस्वार के साथ में उच्चारण करते हैं तो खाली उस वर्ण का एक जो छठा स्थान जो हम पांच स्थान की बात हो गई थी हमारी, छठा स्थान जो नासिका होती है, तो मुखनासिको वर्णो उच्चारण ये मानो अनुनासिक संघ के साथ, जब वो अनुनासिक होता है तो वो बीज मंत्र कहलाता है, कि अनुनासिक होने पर वो बीज मंत्र बनता है, और हम बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करते इसलिए मैं इसको इसमें नहीं लिखते हम लोग बीज मंत्र में, तो वो जो ओम है वो उसी का प्रतीक है, वो महेश्वर का प्रतीक या विष्णु का प्रतीक या सूर्य का प्रतीक, ये तीन तत्व नहीं है। कर्पाती जी ने लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में से तीन है एक है, तो कहते हैं कि जैसे सृष्टिकर्ता जो होता है किसान जब अपनी फसल करता है तो वो ब्रह्मा रूप होता है, ब्रह्मा के रूप में होता है, जब फसल लेने में पानी देता है तो विष्णु रूप होता है, और जब उस फसल को काट लेता है तो महेश्वर रूप होता है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन नहीं होते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ब्रह्मा अलग है विष्णु अलग है महेश है तो अलग, जैसे हम आरती गाते हैं ना जय शिव ओंकार, उसमें एक अंत में लाइन आती है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव इनको अविवेकी लोग अलग अलग समझते हैं, प्रणव अक्षर मध्य ये तीनों एका, तो ये तीनों एक ही हैं, इसको आप शिव कहें सूर्य कहें विष्णु कहें तो कोई बात नहीं है, इसलिए हम तंत्र में मानते हैं कि जिस किसी ने भी इसको जिस रूप में प्रतिभाषित किया वो ठीक है, और इस तरह से उनकी व्याख्या हो सकती है। ये बीज मंत्र है हमारा, तो प्रत्येक वर्ण बीज मंत्र मैंने पहले ही कहा था, तो इसलिए प्रत्येक वर्ण जो है वो हमारे लिए कामधेनु के समान है, और इसलिए इसको इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस प्रश्न का एक पक्ष ये भी हो सकता है कि जब बाकी सारे व्यंजन हैं चक्रों के लिए आपने स्थापित किए बीज मंत्र जो हैं वो व्यंजनों से ही हैं, यहाँ आकर के स्वर को क्यों स्थापित कर दिया, और वो भी उकार को हमने स्थापित कर दिया, या मुझे लगता है ये पक्ष भी इस विचारणीय है, जरूर लेंगे इस पक्ष को। इसमें महावासी ध्यान लगे कि ये जल्दी तो समाप्त आज तो जी महावासी में कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा, हम इनका वर्णमाती का भेद करते हैं, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, पतंजलि कहते हैं महावासी में कि जो जिसको किसी के उच्चारण की जरूरत नहीं होती वो स्वर होता है, तो स्वर जो चंद्रमा के माने जाते हैं 16 इसी इसको अमृत में मानते हैं कि षोडश मातृका में जो हमारी मातृकाएं हैं ये व्याख्या तो ये यहाँ पर जो है ये उस तंत्र के अनुसार है कि उनको जो है वो उसमें हमने यहाँ गुरु माना, मैंने जिस क्रम बताया उसमें गुरु तत्व था अज्ञात चक्र में, और इस चक्र में इन्होंने गुरु के जगह उन्होंने ईश्वर को मान लिया है कि ईश्वर होगा ईश्वर के बाद में परमेश्वर होगा, तो इसको आप कहेंगे जो हमारी तो उस तरह से उसका वाचक है कि स्वर ही मतलब जो है वो बीज मंत्र होते हैं, स्वर ही स्वर है, व्यंजन जो है बिना सार के बोल ही नहीं सकते आप,
आप किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए या तो आगे स्वर लगाइए या पीछे लगाइए, और स्वर में इतना सामर्थ्य होता है कि एक स्वर सात व्यंजन को संभाल सकता है, मतलब एक स्वर में सात व्यंजन लग सकते हैं, चार इधर तीन इधर भी लग जाएंगे तो भी उच्चारण हो जाएगा। तो स्वयं जो स्वर जो है वो स्वर जो है वो विशुद्धि चक्र में होते हैं, विशुद्धि चक्र जो आकाश का प्रतीक होता है, तो स्वर जो है वो आकाश के ऊपर की चीज है, वो नित्य होंगे। व्यंजन तो क्या सारे चलते हैं, इसका मान लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, ये ये सूत्र निकल कर आया है, लेकिन इसकी व्याख्या और भी अपेक्षित है। देखिए, ये विषय कुछ ऐसे हैं जो बहुत व्यापक हैं। अभी तो हमने बुद्धिस्ट और जैन तंत्रों की बात नहीं की, अभी तो हम अपने तंत्रों के और इधर आगमों की बात ही कर रहे हैं, और उसी दृष्टि से इनको समझने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे और अग्रसर होंगे, आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और चर्चा करते रहें, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है हमारी चेतना का विस्तार इतना होगा कि वो ब्रह्मांडीय चेतना हो जाए। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे लगता है आज की चर्चा से मेरे सामने जो विषय आ रहे हैं उसमें दश महाविद्या का भी विषय, मन वाक और प्राण का और भी लेंगे, क्योंकि ये मूल है। मुझे लगता है कि ये हम कहीं पे भूल गए, और श्री विद्या और श्री यंत्र के संबंधों पर भी, और साथ ही साथ जैन और आगम बौद्ध तंत्रों की चर्चाएं करेंगे निश्चित रूप से जैसे जैसे समय मिलेगा। लेकिन उसके साथ अन्य विषय भी हैं जो हमने अभी फिजिक्स के साथ मिलकर के लेने हैं, जिसमें टाइम स्पेस एंड मैटर के ऊपर अभी चर्चा रखेंगे। एक फिजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, वो उस पर चर्चा रखेंगे अगले हफ्ते। फिर पंचतंत्र के ऊपर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ पंचतंत्र क्या है, और इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग के जो मॉडल्स हैं संस्कृत शास्त्र में उपलब्ध, उन ऐसे कई विषय हैं जो हम जैसे जैसे सामर्थ्य होगा वैसे वैसे उनको टेकअप करेंगे। सर, लेकिन इससे पहले कि मैं धन्यवाद नंबर शेयर किया है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ, एक छोटा सा प्रश्न मैंने वो नंबर शेयर किया है अपना, मैडम एक सेकेंड मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उस पे अपना नाम और नंबर मुझे शेयर कर दीजिए, तो जो ये ग्रुप है इंस्टीट्यूट है, या आपको उसका लिंक भेजूंगा, ताकि हम और भी जितने विषय हो सकते हैं उन विषयों के बारे में आप लोग चर्चा कर सकें, बात कर सकें, और हम कुछ ना कुछ विस्तार ज्ञान का विस्तार की ओर अग्रसर हो सकें। तो जी मैडम इंदु आप कहें, और उसके बाद डॉक्टर चित्तरंजन जी। इसमें सर से प्रश्न था कि ये न्यास जब ध्यान जब करते हैं तो क्या इसके अंदर अपने कोई मुद्राएं करते हैं या अंगों को स्पर्श करते हैं या खाली ऐसे ही बोल लेते हैं? नहीं, मुद्राओं सहित है मुद्रा सहित ही जी डॉक्टर साहब, मुद्रा सहित न्यास ही होता है। हाँ, मुद्रा मतलब तत्व मुद्रा से न्यास होते हैं, ऐसे फिक्स है कि इसकी मुद्रा कैसे करेंगे, हृदय आय नमः ऐसे करेंगे तो सिर से ऐसे उनकी मुद्राएं चलती हैं, तो वैसे अंगन्यास में मुद्राएं होती हैं, वो इसलिए अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और माला में भी मुद्रा होती है कि आप मध्यमा के ऊपर उसको माला को रखेंगे और अंगूठ से चलाएंगे, तर्जनी को अलग करेंगे, तो ऐसे सब की मुद्राएं होती है, सबकी अलग अलग मुद्रा। धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आज की इस चर्चा को पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए डॉक्टर चित्तरंजन दयाल सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं संस्कृत सेल हरियाणा संस्कृति अकादमी के, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमं मोक्षदं च इव ओंकाराय नमो नमः। सर, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके इतने विस्तृत और पर हमारी अपनी भी और वैज्ञानिकों की भी अपने शास्त्रों में अपने ग्रंथों में आस्था तर हो रही है, और युवा पीढ़ी को यदि हम आस्थावान बनाना चाहते हैं बना रहे, उसके लिए ऐसे
व्याख्यानों के प्रवचनों के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। और अंग्रेजी का भी कि वो व्याख्यानों को करते रहते में अपनी को भार में तो हैं हमारे को और को क्रिया की ओर रखें। और मैं जो बातें अनुभव कर रहा था और मैं देख रहा था कि जब ध्यान की बात आती है, किसी ने कार ड्राइविंग भी सीखनी हो ना गुरु के बिना, वो कार ड्राइविंग भी नहीं सीख सकता। जो इतनी स्थूल विद्या है, इतनी भौतिक विद्या है, तो सूक्ष्मतम परा विद्या है। इसके लिए तो निश्चित रूप से गुरु बिरिंग ये हमें मानना ही पड़ेगा। और ये सारा जो चिंतन मनन में जो लिखा हुआ है वो जान के अनुभूति राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जैसे विद्वान अभी हैं, और हमारा भी सौभाग्य कि हम उनको सबको सुन पा रहे हैं। और चांद भारद्वाज जी और रवि जी जैसे दिग्गज अभी यहाँ पर चर्चा प्रचर्चा में जब भाग लेते हैं तो वादे वादे जाए थे तत्व बोध, ऐसी अनुभूति होती है सुनकर। और का भी समाधान निकला है आज, हर अक्षर का एक विशेष महत्व है। इतना चिंतन तंत्रों में किया हुआ, शास्त्रों में किया हुआ है। एक ग्रंथ मेरे ध्यान में आया था, मुझे दिखाई भी दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, अक्षर विज्ञान बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अक्षर ज्ञान को आप पढ़िए, उसमें एक का कैसे कैसे लिपि में ध्वनि के रूप में विस्तार हुआ, क्या उसका अर्थ है, वो सचित्र दिया हुआ है। कुछ मेरे ध्यान में आया अलवेद एयोंग एयो छय वर्ट लण श्लोक उद्धृत भी किया अनादर। तो ये हमारी युवा पीढ़ी तभी जानेगी वो ऐसे विद्वानों के प्रचन। और मैं आस्था बताता हूं, हम तो आस्थावान हैं और संत्री मंत्र देखिए, अनंत पारम किल शास्त्र आयु भवश्च विघ्न सारम ततो ग्राही मपास्य फल यथा। बंधन हमारे युग हम सब के व्यवहार में उतरता है, दोनों समय हो से ही जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी कि आपके परिवार में शांति आएगी, आपके समाज में शांति आएगी, आपके राष्ट्र में शांति आएगी। ये जो उपक्रम चल रहा है ये केवल मात्र वाचिक और वाग्विलास नहीं है, इसके अंग्रेजी की बड़ी भारी निष्ठा है कि हमारे व्यवहार में उतने हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो अध्यात्म है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत की जो प्रतिष्ठा विश्व के अंदर उन्नति से नहीं है, भौतिक विज्ञान से नहीं है, ठीक है उसमें हमें आगे बढ़ना है, किंतु असली पहचान और प्रतिष्ठा हमारे अध्यात्म से है। और ये तंत्रों का ज्ञान एकदम लुप्त हो रहा है, हालांकि इसको जागृत करने के लिए आप देखिए गणेशोत्सव मनाया जाता है, किंतु गणपति का रहस्य तो आज समझ में आया, आज बताया गम गणपतये नमः, गम का क्या महत्व है, वो केवल मात्र एक शोर शराबा नहीं है, उसके पीछे ध्यान की साधना है। और उसका जो एक आध्यात्मिक स्वरूप जब तक हम युवाओं तक नहीं पहुंचाते, तब तक वो आस्था, वो दृढ़ता, जीवन के अंदर शुद्धता नहीं आ पाती। इसलिए इन आध्यात्मिक और एक वैदुष्टिपूर्ण अनुभूतिपूर्ण और विस्तार देने की आवश्यकता है, और हम सब इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। और मैं तो अकादमी की ओर से कहता हूं कि अंगेश जी या आपके पास हाजिर वाला या मेरे पास हाजिर पंचकुला, सारी अकादमी इस चीज के लिए
बहुत व्यग्र है कि किस ढंग से करें, और आप कर रहे हैं। आपके साथ जुड़ करके हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। करें और ये जो सारा इसका संचय हो रहा है, इसका प्रकाशन डिजिटल रूप में भी हो और पुस्तिका रूप में भी हो तो बड़ा, क्योंकि ये दुर्लभ ज्ञान है। भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का ज्ञान इतना सूक्ष्मतर है, सुनकर के बस हम नतमस्तक हो सकते हैं, और सारा विश्व भी इसीलिए भारत के इस ज्ञान के प्रति नतमस्तक है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सूक्ष्मता है और बहुत समाधान है। देखिए, जीवन के अंदर इतना क्रोध आ रहा है, संतों ने तो कह दिया, भक्त सुनते हैं पढ़ते हैं, तथा अंत में यही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। वो शीतलता तभी मिलेगी जब मन के अंदर शीतलता होगी, मन के अंदर शीतलता तभी होगी, मन स्वस्थ तभी होगा और प्रसन्न तभी होगा जब हम इस ओर कदम बढ़ाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है, नान्य पंथा विदते न्याय। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, धुन्नी के अंदर, धुन्नी के अंदर विष्णु का ध्यान करते हैं, घनश्यामम शेष नाग के शैया पर शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में हैं, और गायत्री मंत्र बोलते हैं, प्राणायाम भी होता है साथ साथ, ये कृत विद्या है, संध्या वंदन करते हुए उसमें सारा आता है, अंग न्यास भी आते हैं, सब आते हैं बार बार, और हृदय ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, रक्त वर्ण, और जो आज्ञा चक्र है मस्तक में शिव जी का ध्यान करते हैं। तो ये सारी चीजें व्यवहार से जुड़ी हुई है, कर्त विद्या से जुड़ी हुई है, और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ये पूर्ण विज्ञान है, पूर्ण अध्यात्म विज्ञान है, और इसको तो जो करेगा सो पाएगा। बस निश्चित रूप से आज का जो ये प्रवचन रहा है, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी और सबके लिए अत्यंत आंखें खोलने वाला रहा है। मैं अधिक न कहते हुए आज के जो बहुत ही प्रबुद्ध, और मैं तो कहता हूं इनकी अनुभूति बोल रही थी, अनुभूतियां हैं इनके पास, इनका तो बार बार सुनने का दिल करता क्योंकि इन्हें खजाना भरा हुआ इनके पास। तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का हृदय से अपनी ओर से और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला की ओर से, और वेद व्यास पुनर्निर्माण ये जो हमारा संस्कृत योजना है और संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान संस्थान है, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे विद्वानों का, अनुभवी जनों का, दिग्गजों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हम कुछ अच्छा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर्वे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब डॉक्टर साहब, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत, और सिंह साहब को भी धन्यवाद। कौशल डॉक्टर साहब, आपके जुड़ने से हमें, डॉक्टर साहब आपके आने से हमारा उत्साह वर्धन होता है, और वाकई आपने जो प्रश्न रखा है वो मेरे मन में जो है ना अभी तक कौंद रहा है उसको टेकअप करना है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ले लूंगा, एक बार भी कर सकते हैं, कर लूं। हाँ। और ये करना है, ये होना है, बहुत इसीलिए आप और हम जुड़ रहे हैं बार बार, विद्वान लोग जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है सबका। डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, एक बार इस सारी कड़ी में राजेंद्र मुझे आपसे जोड़ा है, बिल्कुल बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है मेरे लिए, आज उनको सुनने का तो मौका भी बहुत कुछ आगे और मिलेगा डॉक्टर साहब अभी, क्योंकि उन वो साधक भी हैं, वो विद्वान ही नहीं है, साधक हैं, ये बात शुरू में मैंने कही, हालांकि वो तो बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन मेरी योग्यता उतना संभव है, और जितनी निष्ठा से उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है उतनी ही निष्ठा से उन्होंने साधना की है, ये बात मैं बड़े मैं जानता हूं इस बात को, तो उनके प्रति और आप सब गुरुजनों का बहुत आभार, और जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीक में दोबारा मिलेंगे और देखते हूँ कि हाँ जी जी, तो देखते हैं कौन सा विषय टेकअप कर पाते हैं।
धन्यवाद सर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना नंबर अगर मेरे साथ शेयर कर लेंगे तो मैं आप लोगों को सर इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। इसे यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूँ कि नहीं इसकी? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? आप, ये आपका अधिकार है, ये तो मेरी चीज। जी जी, एक मिनट, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी जी सर, आप आने दो। आप इस तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ये शास्त्र ज्ञान है, आप सभी का अधिकार है और आप लोगों के लिए और हम सभी के लिए है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल चीजें थोड़ी है, तो आप जरूर डालिए, बल्कि आप मेरा थोड़ा सा सहयोग किसी वक्त कर पाए तो मुझसे बात करिएगा, क्योंकि मैं अकेले कई बार ना कर नहीं पाता, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो अगर आप ये सुविधा आपके पास है और आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जी सर, तो सर आपका नंबर? नंबर आप, मैंने इसमें शेयर किया है चैट बॉक्स में, लेकिन मैं दोबारा फिर कर देता हूँ इसमें 94, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे अपना भेज दीजिएगा। जी सर, नंबर मुझे मिल गया, 4558। जी जी ठीक है, आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको उस ग्रुप में भी जोड़ लूंगा, और आपके साथ संपर्क में रह करके अगर हम लोग मिलके कुछ कर सकते हैं, वस्तुतः ये मिलके ही करने वाला है, किसी अकेले का काम नहीं है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। और एक अध्यापिका गीता जी, मैडम आप अपना परिचय देंगे? शर्मा जी हमें जानते हैं, आई एम मिसेस गीता पद्मनाभन एंड तांत्रिक पंचांग गणित। अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया, आप वो पंचांग निकालते थे शायद बहुत पहले। हाँ। और आपसे शायद जयपुर में ही मुलाकात? हाँ, जयपुर में मुलाकात हुआ, अभी भी समीप में राष्ट्रीय तिरुपति राष्ट्रीय कलाशाला मध्ये श्री विद्याद्याम अद्वैत सिद्धांत इति टॉपिक में एक पेपर प्रेजेंट किया था, तो इसके बहुत ही दैट रिचुअल बियॉन्ड, स्मरण आ गया, बियॉन्ड रिचुअल श्री विद्या इति एक, आप वो करेंगे, जरूर करेंगे। और क्या ना, सब लोग को ये नवावरण पूजा और ये इसी और ये सब एक माध्यम है, कुछ साधना का लक्ष्य एकदम अलग है ना, चितेव चैतन्यम चितहम चिति सर्वम चराचरम इत्येव श्री विद्याया बेसिक सिद्धांत है, तो थोड़ा चित बियॉन्ड द रिचुअल्स ऐसा कुछ आप सोच लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। बट शर्मा जी हमें बहुत जानते हैं, इनफैक्ट we are looking for whoever who is this thing, so we have kanchi acharya niyukta ek sri vidyakara and ashtanga ganana wale ek sadasya banaya hai, usme we are also want to bring in really those who are really interested in this thing, who will be taking this idea of shakta ganana and shakta tantra vishya aage le jane ke liye. So on that basis I am working, Sharma ji is also part of it, so we are looking for, you know, more of output, and I am not getting not much of a outside contact. Isme main Angres saab ko ek aamantran deta hoon that hamara sadasya mein bhag ho jaiye, bhag lijiye, because you know that we will be knowing that Uttar Bharat mein kahan kahan hai and kis tarah se isme input ho jayega is tarah se. जी जी जी, लुकिंग फॉर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, डेफिनेटली आई विल शेयर फ्यू इंफॉर्मेशंस विद यू, डेफिनेटली, बिकॉज़ इवेंचुअली सिद्धांत आधार तो एक ही है जी, शंकर भिन्न होगा, कौलाचार्य समयाचार्य मिश्राचार्य जो भी है, सिद्धांत बेसिस तो एक ही है ना जी, तो दैट इज द थिंग, सो we are not to criticize any kind of any achara ko, we are not here, wo sab mein drishti nahi hai, drishti ye hai that sab ke andar samanvaya kya hai,
किस तरह से हमारा आधारभूत संस्कार को आगे बढ़ा सकता है. That every this thing is, every philosophy is taken care of, every darshana is taken care of, and every idea is actually this thing that all the so-called this thing that how to make the youngsters have yes. re-root themselves into our sanatana. वो भी एक सिद्धांत है. We are working on that. इसलिए आपका it would be very nice that if you can give me the input. And thank you, ma'am. Currently, I just submitted my thesis in Tripura Rahasyam. So okay, great. I'm next awaiting my viva, and I plan to do further postdoctoral work. I'm not yet. I'm 78. जी 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 क्या बात है. बहुत खूब. चलिए त्रिपुरा रहस्य की बात करके तो आपने ना तरंगित कर दिया मुझे. You know, it is wonderful, but Southern India में त्रिपुरा रहस्य को जानने वाला बहुत कम है. And the introduction to that book came to me through Ramana Maharshi. अच्छा. So Ramana Maharshi who advocates त्रिपुरा रहस्य, and Ramana Maharshi through Munjal Venkatramaya. Ramananda Saraswati had published the first book there. Then that book and the 200-year-old book of Dravida Srinivasacharya, his Vyakhyana, form the basis of my thesis. I am looking at the philosophical approach of Tripura Rahasya. That is the thing. So I look into the philosophy of that and little bit of the scientific aspect. I also try to link the Upasana side of the, where there is a Vedantic view. In the Upasana itself is built in, the Advaita structures are there. So some glimpses of that I have given it in my thesis, that you know Upasana also contains a lot of Advaitic approach there. Only thing is people don't know that. They are not looking into that. They, Paramatma darshan ko hum dekhte nahi na, dehatma sambandhi itni hota hai that jivatma, dehatma, right. jivatma ek hi hai, drishti hi hai hume. हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं ये देह अलग है, जीवात्मा परमात्मा एक ही, दर्शन हमसे होता ही नहीं है ना. रिचुअल ही एक है, रिचुअल के बियॉन्ड क्या है कोई सोचता नहीं. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आवश्यक है और निश्चित रूप से आपके साथ मैं संपर्क में रहूंगा. और बड़ा अच्छा लगा आज, थोड़ा सा मेरा अपना विश्वास भी बना कि जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ कुछ. बहुत जरूरी, शास्त्र तरह तो मुक्ति हो गई है नहीं तो. डॉक्टर सुषमा जी आप अपना परिचय देंगे? मैं कई लोगों से परिचित नहीं हूँ, शायद डॉक्टर राजेंद्र जी की वजह से ही आप लोग जुड़े होंगे. सर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र जी की वजह से जुड़ी हूँ. मैं भूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी रही और उसके पहले कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में डायरेक्टर थी और जोधपुर से मैंने एमए संस्कृत और फिर प्राकृत वगैरह में करके मैं संस्कृत विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की तो ये जिज्ञासु हूँ, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, इसलिए आपने जोड़ा और मैं इसको आगे भी आप जोड़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. जी मैम स्वागत है. जी जी हम सबको यही है, हम लोग को आगे भी आप जोड़ेंगे तो बहुत ही खुशी होगी. राजेंद्र शर्मा जी की वजह से हमको जानकारी मिला है ना. जी जी आप वेद मैं ये कहूंगा सुषमा जी को नमस्कार. और आप संस्कृत की, गीता की और जैनिज्म की स्कॉलर है, तीनों विषयों के स्कॉलर. जैनिज्म पे तो मैं सर बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का बहुत ही आशीर्वाद है और प्रणाम रवि साहब और आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और जय जिनेंद्र. जी सर इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैम के लिए. आप सर मैम सर इसमें ये है ना कि अभी 78 वर्ष की मैम हैं, वो अभी पीएचडी कर रही हैं, वो स्कॉलर हैं, वो तो उनके लिए एक मैम सर एक गीता का श्लोक है जो मुझे याद आ रहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति. ये आप मैम आप पे बहुत एक्यूरेट बैठ रहा है. और आपके लिए एक मुझे मैम एक श्लोक और याद आ रहा है जो सच में सभी
स्त्रियों पे बैठता है वो है मैम विद्या समस्तास्तवधीरिभिरा स्त्रियः समस्ताः सकला स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितं वयेतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। क्या बात है रवि जी, बहुत बहुत साधुवाद इस श्लोक के लिए। थैंक यू, बिल्कुल एक्चुअली मैम एक्चुअली में ये आप पता चलती है दयान जी के साथ ही बहुत साल पढ़ा है। I have directly studied under Kanchi Acharya, directly, both of them under their direct direction I have been shaped. So, मेरा मंत्र विद्या under Kanchi Acharya से directly, and मेरा वेदांत दोनों के साथ directly, not through their शिष्या or anything, directly from Dayan ji and this thing. So, naturally, I am lifelong, जिस अभी ये मैडम जी बताया ना, lifelong जिज्ञासु है, चिकित्सा है, विद्या चिकित्सा है। अब तब तक अपना लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं करे, दैट यू रियलाइज दैट यू आर दृष्टि 100% है विज्ञान, ज्ञान जब विज्ञान नहीं बनता है तब तक है ना, ये तो चल जाता है। विज्ञान बनने के बाद भी त्रिपुरा रहस्य क्या कहता है, दैट कैमरा का नेम छोड़ा वैकन हुआ, लाइफ गोस ऑन एज यूजुअल, बट योर माइंड इज सेटल्ड इन द आत्मज्ञान, बट आउटसाइड लाइफ इज द सेम एज एवर। There is no change in that outside level. व्यापारी व्यापार करता है, गृहिणी गृहिणी कर कार्य करता है, पति पति का कार्य करता है, सब कार्य कैसे ही कार्य गए कैसे चलता है। फिर चित्त एक स्थिति रूप में वो पर देवता पर शिव कबीर शिव है, बस इसमें एज की बात ही नहीं है। एज कब सोचे तो एज है, एज सोचे बिना तो एज नहीं। ठीक है डॉक्टर माधव जी और डॉक्टर अनुपमा नायक जी, मैं इनसे परिचित नहीं हूं, और लेकिन बाकी डॉक्टर शमशेर जी, डॉक्टर अनीता, इनसे तो मैं परिचित हूं, डॉक्टर संगीता, इनसे यदि सुन रहे हैं तो ज़रा अपना परिचय दे देंगे तो मैं, डॉक्टर चांद भारद्वाज जी से तो हम परिचित हैं ही हैं, उनका दिशा निर्देश मिलता है। माधव जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, प्रणाम आपको। हमारा हम पूर्व परिचित हैं, निरंतर मैं आपके द्वारा अपलोड किए गए YouTube वीडियो को सुन पाता हूं, क्योंकि मेरे यहां जो अध्यापन के घंटे हैं वो शाम के हैं और दिन में भी कोई न कोई प्रशासनिक व्यस्तता होती है। मैं हिंदी का अध्यापक हूं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन विभाग शिमला में। आपकी आवाज बड़ी प्रभावी है और मुझे लगता है कि आप रेडियो पे तो नहीं कहीं आते। जी ईश्वर की कृपा से आकाशवाणी वाराणसी और शिमला से जुड़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सब भगवती अन्नपूर्णा की कृपा है बस। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से डॉक्टर अनुपमा नायक जी अगर आप सुन रही हैं तो अपना परिचय थोड़ा सा दे देंगे, और डॉक्टर संगीता जी अगर आप लोग सुन रहे हैं, और मैं किससे परिचित नहीं हूँ। चलिए जी मैडम अनुपमा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा नाइक, मैं पूना से हूँ, पर अभी मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर तमिलनाडु ऊटी में हुई है तो मैं अभी यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने वेदांत में पीएचडी की है और साथ ही मुझे रुचि थी नाट्य शास्त्र में, तो मैंने एमफिल में नाट्य शास्त्र पे ऊपर स्पेशल अध्ययन किया और उसके बाद फिर मैंने एस्थेटिक्स में थोड़ा मेरी रुचि ज्यादा हुई, तो फिर मैंने एस्थेटिक्स में मेरा अपना पढ़ाई और थोड़ा अध्यापन अपने खुद से करना शुरू कर दिया। अब मुझे एक मौका मिला कि ललित कला अकादमी के ओर से मैं सौंदर्य शास्त्र के ऊपर एक किताब लिख रही हूँ जो अभी पूर्ण स्वरूप में आ रही है, सौंदर्य शास्त्र तत्व मीमांसा। चलिए आप इस पुस्तक के लिए तो हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर एक लेक्चर हमारे साथ जरूर साझा करें सौंदर्य मीमांसा पे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग विश थी कि भाई ये सौंदर्य तत्व के ऊपर चर्चा की जाए। तो जी जी सर, जरूर। तो आप थोड़ा संपर्क में रहें, मेरे पास आप नंबर जरूर साझा करें तो मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा जल्दी ही, क्योंकि ये बड़ा विषय तंत्र का भी है और बाकी विषयों से भी जुड़ा हुआ है। जी डॉक्टर साहब। जी रवि जी, मैं अनुपमा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तो मालूम होगा
लेकिन सर, आपको अगर मिल सके तो आप, वो मेरे एक अंकल थे, अब नहीं है, डॉक्टर भोला शंकर जी व्यास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैंने उनकी किताब पढ़ी है सर, भरत का नाट्य। मैंने किताब पढ़ी, भरत का नाट्य शास्त्र पढ़ा है आपने चौखंबा से? यस सर, पढ़ा है, पढ़ा है। धन्यवाद, धन्यवाद, बस यही कहना था। धन्यवाद सर। किसी और का परिचय रह गया तो कृपया आप हमारे साथ साझा कर लीजिए। डॉक्टर शमशेर जी से मैं परिचित हूँ। डॉक्टर संगीता जी, आप सुन पा रहे हैं? सबसे पहले मैडम ही जुड़े थे, संगीता जी, लेकिन चलिए ठीक है। बहुत अच्छे लगे सर जी। जी रवि सर, सौंदर्य सौंदर्यता और तंत्र का तो सर एक ही समागम, एक समागम सर, एक ही साथ तो सौंदर्य लहरी में ही है सर। सौंदर्य लहरी में है जी सर। प्रथम से लेकर 41 श्लोक तक तो सर आनंद की लहरी ही बाती है। जिस तरह से पढ़ा जाता है सर, मैंने सुना भी है, तो वो स्पष्ट पता चलती है, मतलब महसूस किया जा सकता है कि वो शंकराचार्य लेंगे, वो विषय सौंदर्य लहरी भी लेंगे, उसकी 9 टीकाओं के साथ ही चर्चा करेंगे। उस पे हमारे साथ मैडम जुड़ी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र मलिक, जिन्होंने सौंदर्य लहरी पे काम किया है, पीएचडी उन्होंने इसी विषय पे की है। मैडम राजेंद्र, आप कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। अब तो आपका विषय आ गया। मेरा विषय तो पहले भी था सर, मैं ये सोच रही थी कि आपने साधक बुलाए तो मुझे लक्ष्मण जू की बड़ी याद आई सर। लक्ष्मण जू जी साधक थे कश्मीर में, आपको पता ही होगा, फादर साहब तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो मैं ये सोच रही थी कि आज के छात्रों को ना इनके ऊपर, इनके साथ पीएचडी करनी चाहिए, इनके ऊपर भी करनी चाहिए और इनके साथ भी करनी चाहिए। क्योंकि साधक के साथ जो रिसर्च करने का एक अनुभव और एक आनंद है ना, वो अलग होता है, ज्ञानी से कुछ अलग है। ये तो ठीक है कि ज्ञानी और साधक को हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही होते हैं, बट जो साधक है उसके साथ जो शोध का जो मजा है ना, जो आनंद है, वो कुछ अलग ही है। और है। अब मुझे जो अभी मैडम ने बताया कि 78 वर्ष की आयु में और ये सब बात उन्होंने कहा भी विद्या समझता, तो मैं ये सोच रही थी कि एक अच्छी आयु के बाद शोध करने में व्यक्ति खुद ही खुद काफी कुछ सीख जाता है। अब हमने जब शोध किया तो वो एक चीज अलग थी, अब कुछ और चीज है सर। चलिए इस पूरे सत्र में तो मैम सबसे अनुज और सबसे छोटे तो मैं ही हूँ देखा जाए तो, क्योंकि अभी तो मैं एमए ही कर रहा हूँ, एमए तो मेरा फाइनल हो चुका है। अब पीएचडी के लिए तो सब कह सकते हैं कि सर मैम कि मैं स्कॉलर हूँ, पीएचडी स्कॉलर तो सबसे छोटा हूँ आप लोग की, तो मैं पुत्र पौत्र के उम्र का ही हूँ। साधना मार्ग तो सारे एक जैसे ही हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, खासकर तंत्र में तो कुछ है ही नहीं सर ऐसी बात, आगम और तंत्र में तो। ठीक है, हम सभी में रहेंगे और निकट भविष्य के कुछ विषय अलग होंगे। हमेशा मत ये सोचिएगा कि सारे के सारे बहुत शास्त्रीय विषयों को ही हम लेते हैं, अब क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि जो भी विषय हो उनको हम अप्लाइड बना सकें किसी न किसी रूप में, तो इसलिए जो है वो थोड़े से जो अलग तरह के विषय हैं उनको भी हम लेंगे। तो फिर दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। अब आप मीटिंग छोड़ सकते हैं, मेरे साथ थोड़ा सा संपर्क में रहिए तो मैं सूचित कर पाऊंगा आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। एक लोग अंगिरस जी के लिए गीता का याद आ रहा है मुझे, यत यदा चरति श्रेष्ठस्त देवि तरो जनाः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।